आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कृपया अभी माइक म्यूट रखेंगे आप सभी, क्रमशः उसी हिसाब से हम अपने अपने माइक को अनम्यूट करें जैसे जैसे अपेक्षा होगी। तो आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और विषय जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्ति कला की संस्कृत शास्त्री मीमांसा। और ये परिचर्चा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड पाली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और उसके साथी जो और संस्थान हैं उन सब के संयुक्त प्रयासों से आज की ये परिचर्चा आरंभ की जा रही है। सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हुए मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूं कि हम ये विषय क्यों ले रहे हैं और इसके पीछे का जो विचार है वो क्या है। निश्चित रूप से प्रतिमा विज्ञान और मूर्ति जो है उसने हमारे संस्कृति में बहुत विशेष महत्व रखता है और हम सभी के व्यक्तिगत जीवन को और सामाजिक जीवन को वो प्रभावित भी करती रही हैं। और एक तरह से वो हमारे सामूहिक मन की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्तियां भी हैं ये मूर्तियां। तो इसलिए उन मूर्तियों के विषय में जानना समझना उसकी परंपरा इतिहास और उसके मूल्यों को और उसके निर्माण प्रक्रिया को जानना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है और इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और अपनी बुद्धि और ज्ञान का हमें विस्तार करना चाहिए। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। अजंता की ये मूर्ति, त्रिमूर्ति शिव जिसे आप देखते ही हैं, महावीर जैन की, ये बुद्ध का अभय मुद्रा है और बुद्ध की अपनी मूर्ति को भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन देख पा रहे हैं शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ नीचे की ओर दीजिए जहां दर्शन शब्द लिखा हुआ है। मूर्तियों या प्रतिमा के संदर्भ में हमारा जो भारतीय मन है, मैं वेस्ट की नहीं बात कर रहा, मैं ग्रीक की बात नहीं कर रहा, रोमन और क्रिश्चियनिटी की नहीं बात कर रहा जहां अलग तरह से स्टैचूज और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होता है, प्रयोग आता है, वो है दर्शन। ये दर्शन का क्या अभिप्राय है और ये दर्शन कैसे किया जाता है और इस दर्शन में क्या क्या सम्मिलित होता है और होना चाहिए, वो सब कुछ हमें आज जानने देखने की जरूरत है। और उसी दर्शन के लिए आज हमने प्रतिमा विज्ञान और मूर्ति कला पे ये चर्चा आयोजित की है। प्रतिमा विज्ञान जब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतिमा जो है उसका विज्ञान क्या है, उसके निर्माण का तरीका क्या है, उसके लिए जो मूर्तिकार है वो क्या क्या जो है वो प्रयास करता है, किस तरह के वो उद्यम करता है, किस तरह के टूल्स का वो यूज करता है, किस तरह की वो भावना करता है आदि आदि। और प्रतिमा शब्द को अगर आप देखें तो प्रतिमा शब्द जो है वो प्रतीप रूपेण जो है मांग माने धातु है जिसका मतलब है मापना, उसको निश्चित करना। और प्रतीप का मतलब है अभिमुख्यन, कि सामने जिसको आप रखते हैं। तो सामने जो है वो आप पत्थर रखते हैं और जो भी माध्यम है उसको रखते हैं और उसके ऊपर फिर जितना आपके पास माप होता है उसके हिसाब से आप उसमें जो है वो मूर्ति को गढ़ने लगते हैं। और मूर्ति कला जब आप नीचे की ओर शब्द को देखते हैं तो वो उसके साथ कला शब्द जुड़ता है। तो मूर्ति जो है आप अपने भावों, विचारों और अपनी आस्थाओं को जब आप एक अभिव्यक्ति देते हैं तो उसमें जो सौंदर्य तत्व निहित हो जाता है, भावना तत्व निहित हो जाता है, वो उसको मूर्ति बना देता है, उसमें कलात्मकता ले आता है। अब इस को जानना, इस प्रतिमा विज्ञान को जानना और इस कला से परिचित होने वही हमारे दर्शन को निर्धारित करेगा कि हम दर्शन कितना सूक्ष्म करते हैं। क्योंकि अभी भी जब मैंने आपसे ये कहा कि त्रिमूर्ति को, महावीर की मूर्ति को जब आप देख रहे हैं तो वस्तुतः मेरा आपसे प्रश्न यही है कि आप क्या देख रहे हैं,
क्या आप केवल एक बाहरी आवरण बाहरी आयामों को देख रहे हैं या उसके भीतर की आयामों को भी देख पा रहे हैं, उसके सूक्ष्म आयामों को भी नोटिस कर पाते हैं। अब इसमें दर्शन में जो दोनों पक्षों पर लागू होगा, जो मूर्ति निर्माण कर रहा है उसके लिए और जो देखने वाला है, जो भक्त आप कह लीजिए या दर्शक कह लीजिए, उसकी चार कैटेगरीज होती हैं। एक जो उपासना शब्द इसलिए है क्योंकि वस्तुतः दर्शक और जो मूर्तिकार होता है वो उपासना करते हैं। ये निर्माण कोई ऐसा निर्माण नहीं है कि आपने जो है वो किसी मशीन में डाला और बना दिया, हालांकि आजकल तो जो भी बनता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सब चीजों के साथ, लेकिन जब भारतीय दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम बात कर रहे हैं दर्शक की और मूर्तिकार की। तो जो दर्शक और मूर्तिकार सबसे पहले करते हैं वो है उनकी सत्यवती उपासना। सत्यवती उपासना का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर उनकी दृष्टि होती है, भावना या बुद्धि, भावना बुद्धि भी उसी पर निर्भर होती है, यानी कि एक समानाधिकरण होने के कारण इसको सत्यवती उपासना कहा जाता है। उपासना ही करनी पड़ती है, पास बैठना पड़ता है और फिर उसमें आपको अपने प्राण डालने पड़ते हैं, तो इसलिए सत्यवती उपासना इसको कहा जाता है कि जो आप देखते हैं, जिसके ऊपर आपकी दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार ही आपकी भावना बुद्धि जो है वो कार्य करती है और वो अभिव्यक्त होती है। दूसरी अंगवती उपासना से अभिप्राय क्या है, जो दर्शक और मूर्तिकार के लिए होती है, वो है कि दृष्टि किसी अन्य पर होती है, उसके किसी विशेष अंग पर होती है, और भावना जो है वो आपकी अंगी के ऊपर होती है, जिसके अंग है। जैसे कि कृष्ण की आंखों पर हमारा ध्यान हो सकता है लेकिन बुद्धि या भावना हमारी कृष्ण के प्रति हो सकती है, तो वो अंगवती उपासना बन जाती है। और ये दोनों के लिए लागू होते, मूर्तिकार के लिए भी और उसके लिए भी, दर्शक के लिए भी। अन्यवती उपासना से हमारा अभिप्राय क्या है कि दृष्टि किसी अन्य पर है और बुद्धि किसी कहीं अन्य पर है। जैसे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं कि जैसे कि हम बुद्धि तो हमारी कृष्ण पर है, लेकिन जो हम कभी राधा की उपासना में आ जाते हैं, कभी अन्य अन्य गोपालों की भावनाओं को करने, गोपालों पे हमारी दृष्टि चली जाती है, गाय पे दृष्टि चली जाती है, तो वो अन्यवती उपासना बन जाती है। लेकिन ये जो चौथी कैटेगरी है, चौथा जो कोटि है, निदानवती उपासना, उसका तात्पर्य ये है और मुझे लगता है कि वही सबसे गहरी हमें समझनी चाहिए अगर हम अपने दर्शन को विकसित करना चाहते हैं, वो है कि निराकार की या निर्गुण की हम कोई मूर्ति तो बना नहीं सकते, लेकिन हम उसको कुछ एक संकेतों के द्वारा जो है समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये कह देते हैं कि सूर्य ही ब्रह्म है, या इसी तरह के और बहुत, अग्नि ही ब्रह्म है, या और इस तरह के बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यानी कि संकेत के माध्यम से जब हम उस तत्व को मूर्ति में लाना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, उसको एक आकार देना चाहते हैं, तो उसको निदानवती कहते हैं। तो इसी रूप में ये चार बातों को अगर हम ठीक से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा दर्शन में थोड़ी व्यापकता आएगी। ये जो आप स्लाइड अब देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देखिए कि ये आप सबने देखा ही हुआ है, पढ़ चुके हैं आप, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रतिमा है वो प्रतिकृति प्रतिमा एक शब्द है और दूसरी है भाव प्रतिमा। तो एक केवल निर्माण के लिए आप जब किसी का रूप स्थिर कर देते हैं, किसी भी लकड़ी में, किसी पत्थर में, प्रस्तर में आदि आदि में, और दूसरी आपकी भाव प्रतिमा होती है जिसके भीतर आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इन दो बातों को भी आप ध्यान में रखिए। अब इससे पहले कि मैं अपनी बात और आगे आप लोगों से साझा करूं कि हमने ये आयोजन क्यों किया है, हम और क्या जानना चाहते हैं आज के मुख्य वक्ता से, उन बातों से पूर्व मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, जो संस्कृत विभाग, संस्कृत एवं पाली विभाग में हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, जिनके सहयोग से ये आज का आयोजन किया जा रहा है और जो कन्वीनर है आज के इस वेबिनार के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी का
वो स्वागत करें और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी अभ्यागत हैं, प्रतिभागी हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। तो आज का जो हमारा आज का जो वेबिनार है प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्ति कला की संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा, तो इस विषय को आधार बनाकर आज इस वेबिनार का आयोजन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज चंडीगढ़ और अन्य संस्थाएं जो हमारे साथ और जुड़ी हुई हैं, हरियाणा संस्कृत अकादमी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है और अन्य अन्य कॉलेजेस हैं, तो इन सभी की ओर से डॉक्टर दिनेश पाल जी का और इस सभा में जितने भी हमारे सहभागी और जो श्रोतागण जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर दिनेश पाल जी डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं और आज इस मूर्ति कला और प्रतिमा विज्ञान से विषय से हमें अपने विचारों से अवगत करवाएंगे। तो आपसे निवेदन है डॉक्टर साहब कि इस विषय को हमारे जितने भी श्रोतागण हैं इनके समक्ष रखते हुए तो हमारी इस ज्ञान मीमांसा को आप पूर्ण करें, तो आप अपना वक्तव्य बताएं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। इससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित करूं, दो तीन बातें मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं कि जब हमने डॉक्टर दिनेश पाल जी को सादर आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, तब उसके पीछे जो एक भावना थी वो भावना क्या थी उसको आप एक बार जरूर देखें। स्वप्न वासव दत्तम का एक श्लोक है जहां पर गुणानां वा विशालानां सत्कारानां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु सुदुर्लभा। हमारे पीछे जो हम उनको निवेदन करने की जो भावना थी वो था कि गुणी लोग जो हैं, जिनके पास गुण का महत्तम रूप है, विशालता है, और उनका सत्कार करने वाले लोग भी हमें मिलते हैं इस दुनिया में, लेकिन उन गुणों को जानने वाले लोगों का अभाव है, उन गुणों को समझने वाले लोग बहुत कम उपलब्ध होते हैं। तो उस गुणों को हम जान सकें, समझ सकें, इसलिए हम उस गुण का जो है वो सत्कार करें, ये इस दृष्टि से हमने डॉक्टर साहब से सादर निवेदन किया था। अब इस विज्ञातता जो है, ये जो विशिष्टता है, विशिष्ट ज्ञान है, इसको जानने के लिए मैं भूमिका के रूप में दो तीन बातें आपसे और साझा करना चाहता हूं। आप सभी की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं जो शास्त्र में हमें बताई गई हैं। हालांकि डॉक्टर साहब इस सारे विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें शैली मूर्तियां होती हैं, शैल पत्थर प्रस्तर के ऊपर बनी हुई, लकड़ी पे बनी हुई, ये सारी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेप्या का मतलब है कि अर्थ और सैंडलवुड के ऊपर बनी हुई, और लेख्या है एनग्रेव्ड और ड्रॉन, साइकति का मतलब होता है रेत के ऊपर बनी हुई, मणिमय जो है वो जेम्स से बनी हुई, और मनो और मेंटल, मनोमयी जिसे आप कहते हैं। तो आठ प्रकार की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा उस विषय पे आता हूं ताकि हम श्रोता होने के नाते इस बात को ध्यान रखें, समझें कि जब हमने दर्शन किया, दर्शन के लिए जब हम इन मूर्ति विज्ञान को समझना चाहते हैं, प्रतिमा विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि क्या वस्तुतः इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि ये जो रामलला की आप मूर्ति देख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पे शंख चक्र आदि को देखा, या हमने कभी इस बात को नोट किया कि ये इतनी सूक्ष्मता से जो निर्माण किए हुए हैं मूर्तिकार ने, जहाँ पे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि के सारे चित्र बना दिए गए हैं, उनको हमने क्या कभी ध्यान से देखा? यदि नहीं देखा तो निश्चित रूप से आज ये मौका है हम सभी के लिए कि हम अपनी दृष्टि को केवल विस्तार ही ना दें बल्कि उसको सूक्ष्म करना भी सीखें। ये फिर दोबारा उसी बात को मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात की ओर कि जब आप मूर्ति देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उस देखने में तीन चीजें जरूर आती हैं, उसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, ये तीनों चीजें जरूर आती हैं। और जब आप इस तरह की प्राचीन भारत की मूर्तियां देखते हैं तो उसमें इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है, जिसके ऊपर
मूर्तिकार ने ये चमत्कार कर दिया है। इन चीजों को और थोड़े से गहना अपने आप को अपनी दृष्टि को आप फोकस करें कि देखिए कि कितनी बारीकी कितनी सूक्ष्मता से ये सारा काम किया गया है। और ये केवल मैकेनिकल काम नहीं था, ये केवल एक स्किल नहीं था, ये पूरे के पूरा प्राण तत्व इसमें डाला हुआ है। आप इनकी आंखें देखें, इनके हाथों को देखें, इनके जो अंग हैं और इनके जो उपांग दिए गए हैं, हाथों में जो चीजें दी गई हैं, उन सबको भी आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वस्तुतः आप इस योग्य होंगे कि इनकी आप प्रशंसा करें। नहीं तो एक वो सामान्य दृष्टि से देखना और भक्तिभाव से जाकर के माथा टेक देना वो पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए इस विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया है कि हम देखना सीखें। आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये तंत्र सार संग्रह आदि जैसे ग्रंथ हैं और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे कि वहां पर केवल लंबाई गहराई और चौड़ाई यही नहीं है, उनमें प्रोपोर्शन को भी आपको पता होना चाहिए, तब आप विज्ञाता बनेंगे। नहीं तो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी मूर्ति को। आप अपना पीछा छुड़ाएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें बढ़िया क्या है, उसमें सौंदर्य क्या है, उसके जो वैज्ञानिक पक्ष हैं उनसे आपको परिचित होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि इन प्रोपोर्शंस को किस तरह से ध्यान में रखा गया है और शास्त्र रिकमेंड करता है इन बैलेंस को, इस प्रोपोर्शन को, इस सारे को हमें समझना चाहिए। इसीलिए आप सबको आमंत्रित किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब हमें इस सारे विषयों के बारे में सचेत करेंगे। थोड़ा सा इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये आपको जो है इतिहास की दृष्टि से आपको बहुत सारे जो हैं मूर्तियां मिलेंगी जो सिंधु घाटी सभ्यता मौर्य और मौर्येतर आदि से होती हुई आधुनिक मूर्ति कला तक चली आती हैं। तो हमारे पास बड़ी दीर्घ परंपरा है और डॉक्टर साहब का दायित्व भी बहुत बड़ा है कि वो हमें किस दृष्टि से क्या हमें बताते हैं। तो लेकिन आश्चर्य करने की बातें हैं कि केवल ये इतना व्यापक नहीं हमने देखना, हमने इस सूक्ष्मता को भी देखना है, उसको समझने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और ये साथ में कुछ पुस्तकें हैं जिनको अगर आपकी कभी रुचि पैदा हो तो निश्चित रूप से आप इन पुस्तकों को देख सकते हैं। जैन प्रतिमा विज्ञान, वास्तुशास्त्र प्रतिमा विज्ञान आदि आदि बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और ये पुस्तकें आपको नेट पर भी मिल जाएंगी और वैसे भी इनकी हार्ड कॉपीज उपलब्ध हैं, archives.org से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर दिनेश पाल जी को, जो कि आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, कि उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ अपनी बातचीत आरंभ करें। और मैंने उनसे विशेष रूप से ये निवेदन किया था कि वो हमें निर्माण की प्रक्रिया से जरूर अवगत कराएं कि निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ उस निर्माण प्रक्रिया में किए जाने वाले जो टूल्स हैं, औजार हैं, जो वो माध्यम है, उनसे भी परिचित अवश्य कराएं। तो मैं पुनः उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं और उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जो स्क्रीन शेयर हमारे साथ करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि सर ने मेरा आधा कार्य कर दिया है, दार्शनिक पक्ष को पूरी तरीके से उन्होंने आपके सम्मुख रख दिया है और तकनीकी पक्ष और उसके निर्माण पद्धति का जो दायित्व सर ने मुझे दिया है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि प्रतिमा की डेफिनेशन भी सर ने बहुत ऐसी दी है कि मुझे उस पर कुछ कहना जो होगा वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो इसलिए उसको आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ कला की बात करूंगा। ये जैसे कि एक बात होती है कि हम कह देते हैं कि आर्टिस्ट हैं, ये आर्ट हो गई, ये मतलब मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, तो उसके कंटेक्स्ट में मैं एक स्टोरी है हमारे चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण की, जिसमें राजा वज्र है और जो ऋषि है उनके बीच का संवाद है कि राजा जाकर
ऋषि से ये कह रहे हैं कि आप मुझे शिल्पकार बनाइए, मुझे शिल्पकार बनना है, मुझे बताइए। तो ऋषि उन्हें बोलते हैं कि आप अगर शिल्पकार बनना चाहते हैं तो तब पहले आपको चित्रकला सीखनी पड़ेगी, चित्रकला आपको आनी चाहिए। फिर वो उन्हें जब इस पर बात करते हैं कि ठीक है मुझे चित्रकला का आप अभ्यास करवाइए, तो उन्हें वो बोलते हैं कि अगर आप चित्रकला का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको संगीत, नृत्य, ऐसे करके सीक्वेंशियल वो बताते चले जाते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि सारी जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं और जो भी हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और यहाँ पर मैं ये स्टोरी इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये चित्र सूत्र की ये स्टोरी पढ़ी तो स्वाभाविक है, मनुष्य हूँ, मुझ में अहंकार आ गया कि शिल्पकार को, शिल्पकला को ज्यादातर मूर्तिकला ऐसे समझते हैं, शिल्पकार जो है मूर्तिकार है। लेकिन मेरा ये पर्सनल अपना मुझे लगा, बाकी आप लोग बताएंगे कि मैं कहाँ तक सही हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो शिल्पकार है बेसिकली वो एक जो सृजनशील व्यक्ति है, जो कुछ नया निर्माण करने की उसको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है, उस व्यक्ति के लिए ऋषि कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं आगे इस पर मैंने कार्य किया तो मुझे पता चला कि चित्र जो है, चित्रकला है, चित्रकला को पुराने पुराने जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें चित्रकला का मतलब मूर्तिकला है, ऐसा मुझे पता चला। वैखना सागम में मुझे ये स्पष्ट प्रमाण मिला, वहां पर चित्र की उन्होंने जो, जैसे सर ने अभी मूर्ति का वर्गीकरण बताया, उन्होंने द्रव्य के आधार पर बताया, उन्होंने उसको कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं उसके आधार पर बताया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट उनके वर्गीकरण है, उसके पूजा पद्धति के आधार पर उसका वर्गीकरण है। तो ऐसा ही एक वर्गीकरण हमें मूर्ति का मिलता है, उसमें चित्रकला, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि चित्रकला और चित्रकला जो होगी उसको मूर्तिकला के रूप में ही लोग कहते होंगे। क्योंकि यहां पर मुझे तीन शब्द मिले, एक चित्राभास, चित्रार्ध और चित्र। तो चित्राभास मीन्स ड्रॉइंग, उसका मतलब था कि किसी सरफेस पे जो चित्र है उसकी आकृति जो रेखांकन किया गया है, चित्राभास। चित्रार्थ मतलब धरातल से, अभी डॉक्टर प्रोफेसर सर ने अभी एक मूर्ति दिखाई, वो धरातल से बाहर निकली, वो हाई रिलीफ से, टेक्निकली हम आज के आधुनिक समय में उसको हाई रिलीफ कहते हैं, म्यूरल कहते हैं। तो उसको वैखनस ऋषि ने चित्रार्ध ऐसी संज्ञा दी। और जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है, सर ने अभी कुछ थ्री डायमेंशनल क्लासिकल स्कल्पचर्स दिखाए हैं, तो उसमें जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है उसको चित्र से उन्होंने संबोधित किया। तो उस, ये जो राजा वज्र और ऋषि के बीच के संवाद से मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंचा, ये पूर्णतः मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष है, इसका मतलब सामाजिक निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं, कि जो शिल्प कला हो, शिल्पकार बनने की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली मूर्तिकार नहीं है, वो चित्रकार तक ही मूर्तिकार था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ वहां पर। इस बात को अब मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। जैसे कि कौन कौन से शास्त्र जो है जिनमें हमें चित्रकला मतलब मूर्तिकला जो है उससे संबंधित संकेत मिलते हैं, तो हम ऋग्वेद जो वेदाज हैं उनमें सारे वेद, जितने भी वेद हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें चित्रकला जो मूर्तिकला है उसको कैसे किया जाएगा, उसमें भगवान का अंकन कैसे होगा उसके विषय में, और उनका जो प्रतीक, जैसे सर ने बोला प्रतीक, तो वो जिस प्रतीक में है उसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो कैसे किया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद में मिलता है, हमारे पुराणों में जितने भी पुराण हैं उनमें कहीं ना कहीं से मिलता है। इसे अगर हम ऐसा कह दें कि ये एक एक डिपेंडेंट टेक्स्ट, डिपेंडेंट सोर्सेज है, कि मतलब वो जो शिल्प शास्त्र का हिस्सा है वो पुराण में मिल रहा है, वो वेद में मिल रहा है, अगर हम इसको ऐसे कह दें कि वो डिपेंडेंट है किसी और शास्त्र में। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमें स्वतंत्र शिल्प शास्त्र भी मिलते हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से फोकस्ड है, मानसासार है, अभिलाषा चिंतामणि है,
फिर शिल्प रत्नम है, सम्रांग सूत्रधार जो कि आर्किटेक्चर पे पूरा बेस्ड है, उसमें शिल्प जो चित्रकला है उसके बारे में भी कैसे बनेगा उसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो इस स्लाइड में वो सारे टेक्स्ट को लाने की कोशिश करी है जो मूर्तिकला कला से, मूर्तिकला चित्रकला, मैं दोनों शब्द बार बार बोल रहा हूँ, का निर्माण कैसे होगा, उसका दार्शनिक पक्ष क्या है, उसमें मानदंड क्या होंगे, उसका द्रव्य क्या होगा, उसका प्रतिष्ठा कैसे होगी, इन सब जो चीजें हैं, ये सब जो तथ्य हैं उनके ऊपर बात करी है इन जो ग्रंथ है। इनमें संहिताज हैं, ब्रह्म संहिता, कश्यप संहिता, आगमास की बात करें तो तंत्र में, तंत्र शास्त्रों में इसका विस्तार से चर्चा की गई है, वैखनस आगम, सुप्रभिधा आगम, अंशुभिधा आगम आदि बहुत सारे हमारे शिल्प शास्त्र हैं जिन पर इनकी वर्णन किया गया है। और सर ने अभी कुछ बुक्स दिखाई है, उसमें प्रतिमा विज्ञान दिग्विजेंद्र नाथ शुक्ल जी का दिखाया, तो विस्तृत ग्रंथ है, उसका अध्ययन करने के बाद हम काफी हद तक मूर्ति को कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, उसका दर्शन क्या है, तो कुछ हद तक हम पहुंच जाते हैं उसमें, कुछ समझ हमसे हमारी डेवलप होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो सर ने अभी वर्गीकरण बताया द्रव्य के आधार पर, मटेरियल के आधार पर, तो उसमें मृदा जो मुख्य है, मैं उनकी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, मृदा, दारू कास्ट, प्रस्तर, लौह धातु, जेम्स। मेटल में यहाँ पर कांस्य धातु की ही ज्यादा महत्ता मिलती है, उसमें अष्ट धातु और कांस्य धातु। अष्ट धातु में आठ धातुओं का एक समन्वय होता था, एक संतुलित मात्रा में उन्हें मिला के अष्ट धातु से शिल्प का निर्माण किया जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जो मूर्तियां मिलती हैं वो अगर हम देखें तो वो ज्यादातर कास्ट, जो पदार्थ, जो द्रव्य हमें सुगमता से प्राचीन काल में उपलब्ध हुआ उस पर शिल्पकारों ने अपना चिंतन जो है वो त्रिआयामी रूप में व्यक्त किया। ऐसे ही मृदा है, क्ले, मतलब उसको अंग्रेजी में क्ले कहते हैं, अभी मैं समकालीन समय में भी बताऊंगा कि क्ले कौन कौन सी क्ले हमारे पास यहाँ पर काम हो रहा है। रत्न, जेम्स में भी कार्विंग के थ्रू उस पर भी काम किया गया या फिर उनको जड़ा गया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मूर्तियों को बनाने के साथ अगर प्रस्तर में, पत्थर में वो बनाई गई तो उसके ऊपर कुछ प्राचीन काल में कुछ स्टैकू रंग के माध्यम से, स्टैकू के माध्यम से उसको चित्रित भी किया गया, लेकिन वो अभी अवशेष वैसे बचे नहीं है। कहीं कहीं पर जब हम नालंदा या पुरानी और जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे अजंता एलोरा, तो वहां पे हमें कुछ चिन्ह मिल जाते हैं कि इनके ऊपर कोई परत रही होगी, लेकिन अब वो अवशेष मात्र भी देखने को नहीं मिलती है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई चित्रकार, मूर्तिकार किसी भी चीज को गढ़ता है तो उसके किसी देव मूर्ति, देव प्रतिमा का अगर वो अंकन करने जा रहा है तो उसका उसका पहले ध्यान करता है, उसको विजुअलाइजेशन ध्यान करता है, फिर उसका रेखांकन करता है। तो वो जो ध्यान है हमारे शास्त्रों में उस देव का ध्यान जो है उसका हमें श्लोक, ध्यान श्लोक मिलता है। इसमें सबसे अच्छा ग्रंथ जो समकालीन समय में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध देवी महात्म्य है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में हमें देवी का ध्यान श्लोक मिलता है जो देवी के उस रूप को प्रकट करता है कि उनका, उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है, उनका शरीर सौस्थव कैसा है, वो किस मुद्रा में है, वो किस भाव में है, ये सब ध्यान श्लोक में एक जो शिल्पकार है वो उसको ध्यान में उसको उतारता है। उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस वो स्टार्ट करता है। उसके लिए फिर वो माध्यम को सेलेक्ट करता है कि कौन से माध्यम में बनना है। माध्यम
निश्चित करने के पश्चात फिर वो ताल मान मुद्राएं उसको डिफाइन करने के लिए फिर उसको रेखा चित्र खींचता है, जो कि पीछे मैंने चित्राभास के नाम से उसको संबोधित किया। तत्पश्चात फिर वो उसको आगे के प्रोसेस में लेके जाता है, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने जैसे प्रतिमा के जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक क्लासिफिकेशन और मिलता है, जो उसके माध्यम के आधार पर चल और अचल प्रतिमा। चल प्रतिमा का मतलब है कि वो प्रतिमाएं जो ऐसे माध्यम में बनाई जाती थीं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। तो धातुओं में बनाई जाती थी, रत्नों में बनाई जाती थी, मिट्टी की छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। और अचल प्रतिमाएं स्पष्ट है कि वो किसी विशाल काय पदार्थ भारी पदार्थ में बनाई जाती थी। मुख्यतः वो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में वो पत्थर में बनाई जाती थी। इसी तरह पूर्ण और अपूर्ण जो प्रतिमा का क्लासिफिकेशन है, पूर्ण मतलब उसमें पूर्ण उसका पर्सोनिफाइड, मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, पर्सोनिफाइड उसका जो फिगर है वो पूरी तरीके से उसको कार्व करके या उसको मॉडल करके बनाते थे, और उसका प्रतीक रूप जो बनाते थे जैसे शिवलिंगा है उस, तो वो अपूर्ण उसका मतलब अपूर्ण ऐसा उसका कैटेगराइजेशन किया गया है। ऐसे ही शांत और अशांत, शांत ये भाव के आधार पर इसका वर्गीकरण है कि कुछ मूर्तियां जो है शांत भाव में है, कुछ मूर्तियां जैसे रुद्र की हो गई, नटराज की डांसिंग जो मुद्रा हो गई या नरसिंह की मुद्रा हो गई, तो ये अशांत मुद्राओं के जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत रखी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर कि क्लासिकल जो टाइम था हमारा, शास्त्रीय समय जो पुराना टाइम था, उसमें जो मूर्तियां बनती थी, उस समय जो मूर्तियां बनती थी उसकी विधि क्या थी, उसमें मटेरियल क्या यूज किया जाता था, उसके विषय में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जो मिट्टी की मृणी में मूर्तियां जो हुआ करती थी वो काली मिट्टी, जो आज कुम्हार की मिट्टी होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, उस मिट्टी से तैयार की जाती थी। यहाँ पर मैंने आपको कच्छप वाहनी यमुना की प्रतिमा दिखाई है। ये कच्छप वाहनी जो यमुना की मूर्ति है, ये पूर्णतः मिट्टी में बनी हुई है और इसे पकाया गया, मतलब ये टेराकोटा की मूर्ति है। इसी तरह से विष्णुपुर का टेंपल जो वेस्ट बंगाल में मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा मंदिर मिट्टी में बनाया गया, उसके बाद इसे पकाया गया है, इसे एक मोनोलिथिक टेराकोटा टेंपल मानते हैं। तो इस ये जो भी दो प्रतिमाएं हैं, ये हमारे शास्त्रों के आधार पर और जो हमारे टेक्स्ट जो पुराने आगम निगम में लिखे हुए नियम हैं, अगर उनको हम पढ़ें तो उनसे कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक हमें मिलता है कि गंगा है, सॉरी यमुना है, तो ये कच्छप की सवारी करेंगी, इनके हाथ में एक घड़ा होगा, इनके आगे पीछे कुछ जो मोटिव्स दिखाए गए हैं, तो वो उस टेक्स्ट जो एक तो कलाकार का चिंतन है, कलाकार ने उस यमुना का जो चिंतन किया, जो उन्हें दिखा, उसके बाद क्योंकि ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आता हुआ ज्ञान है और वो साधना है, तो उनके गुरु ने क्या सोचा था, उसका सारा एक सीक्वेंशियल जो डेवलपमेंट है उसको सोचते हुए ये प्रतिमाओं की गणना की गई है। और मिट्टी में वहां पर बिना पकाई हुई मिट्टी पर में भी प्रतिमाएं बनती थी, लेकिन वो जो प्रतिमाएं हैं वो अभी बची नहीं, लेकिन जो पकाई हुई प्रतिमाएं हैं, जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं, वो हमें मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सील्स मिलते हैं, बड़ी सारी छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं, हेड्स मिलते हैं, और ये जो मैं प्रतिमा दिखा रहा हूँ ये काफी बड़े साइज की 3-4 फुट की प्रतिमा है, और नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में ये रखी हुई है, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और इसमें जो बनाने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते थे, टूल्स कलाकार अपनी जो सहूलियत है उसके हिसाब से लकड़ी, धातु, लोहा हो गया, बैम्बू, इसमें वो अपनी सुविधा के हिसाब से छील कर घिस कर बनाते थे।
और इसका जो पकाने की पद्धति होती थी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेस हैं, बड़ी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लेकिन उस समय इसे आवा बोलते हैं, इसे हिंदी में आवा मतलब मिट्टी को रख दिया, मिट्टी की जो प्रतिमाएं हैं वो बन गई हैं, उनके ऊपर भूसा फूस या गोबर, गाय के गोबर के उपले, वो नीचे बिछाकर उसको पूरा मूर्ति, जो जितनी भी मूर्तियां हैं उनको ढक करके उसमें धीरे धीरे उसको आग उसमें प्रज्वलित करते हुए उसमें धीरे धीरे उसको पकाते थे, 3-4-5 घंटे उस लीट होता था। तो ये जो मैंने विष्णुपुर का जो टेंपल आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया है, ये बेसिकली इसको हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि इस पूरे टेंपल को, ये बहुत बड़ा टेंपल है, ये देखने से ही पता चल रहा है, इसकी जो मॉन्यूमेंटल क्वालिटी दिखने से ही पता चली, इस पूरे मंदिर को कलाकारों ने मिट्टी में बनाया है, मिट्टी में बना करके इसको पकाया है। तो पकाना, क्योंकि कोई भी मिट्टी, जब मिट्टी में कोई भी स्कल्पचर बनाते हैं, कोई भी कृति बनाते हैं, तो उसको बनाने के बाद वो चटके नहीं, उसको सुखाना होता है, सुखाने के बाद फिर उसको थोड़ा फिनिश करना है। ये सारे प्रोसेस को देखते हुए जब मैं ये विष्णुपुर का टेंपल देखता हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि उस समय के कलाकार ने इस पूरे मंदिर को मिट्टी में बनाया, सुखाया और उसके बाद बिना किसी क्षति के इसको पूरी तरीके से पकाया, और इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया गया होगा, तभी ये आज हमारे सामने विद्यमान है, अभी भी हम इसे विष्णुपुर में देख सकते हैं। फिर जब हम प्रस्तर की बात करें, स्टोन की बात करें, तो स्टोन में जो मूर्तियां बनी है हमारे देश में, भारत में, यहाँ पर जो पत्थर जिस स्थान पर प्राप्त हुआ, उसमें जो सबसे उनको शिल्पकार को जो बढ़िया लगा कि ये पत्थर ठीक है, और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पारंपरिक, जिन्हें मैं पारंपरिक नहीं कहूँ, उन्हें क्लासिकल ही कहूँ, क्लासिकल स्कल्पचर से जो परंपराओं से अभ्यास करते आ रहे हैं, वो पत्थर को टच करके, उसको स्पर्श करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस, ये जो प्रस्तर है, ये इसका लिंग क्या है, इसका इसमें प्रतिमा के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ज्ञान परंपरा जो ट्रांसफर होती आई है, मैं तो समकालीन मूर्तिकार हूँ, मेरे, मैं आपको यहाँ पे, मुझे ये एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही कि मैं ये नहीं कर सकता कि किसी प्रस्तर को टच करके ये बता दूं कि उसमें मूर्ति निर्माण का जो गुण है वो विद्यमान है या नहीं है, वो स्त्री है या पुरुष है, या उसका लिंग जो है वो न्यूट्रल है। ये जो ज्ञान है ये परंपरा के साथ लोगों में आया है, और वो अभी समकालीन जो कलाकार है उनके लिए ये विषय, मतलब उनके ज्ञान से परे, इसको सीखने के लिए हमें उनका शिल्प शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर हम कर पाए नहीं कर पाए इसमें मैं जान नहीं जाता। तो पत्थर का चयन करने के पश्चात जो जगह, जैसे यहाँ हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ सैंडस्टोन में हमें प्रतिमाएं मिलती हैं, संगमरमर में मिलती हैं, लेकिन हम जब साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें वहां पे ग्रेनाइट की प्रतिमाएं मिलती हैं, काले ग्रेनाइट मिलते हैं। तो इस तरह से स्थान के हिसाब से पत्थर का चयन किया जाता था, और जो उस समय औजार यूज किए जाते थे, मैंने यहाँ पे चित्र जो है समकालीन जो टूल है उसका यहाँ पे प्रदर्शित किया है, लेकिन जो प्राचीन काल में भी जो औजार यूज इस्तेमाल किए जाते थे वो ऐसे ही थे। उनका अगर हम देखें तो वो लोहे के बने हुए होते थे, उनको टेम्पर्ड शब्द मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपनी स्लाइड में। टेम्पर्ड मतलब किसी चीज को, किसी भी लोहे की पदार्थ को, लोहे के जो औजार है उसको शार्प करने के लिए उसको गर्म करना, एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको गर्म करना, उसके बाद उसे पानी में डिप करना। तो जो नॉर्थ इंडिया में जहाँ सैंड स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, मार्बल जैसी चीजें यूज करी जाती थी, वहां पर सिंगल टेम्पर्ड चिजल, मतलब दो बार ही, एक बार ही उसे टेम्पर किया हुआ है, एक ही बार पानी चढ़ाया हुआ है उसमें, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और
जो दक्षिण भारत है जहाँ कठोरतम चट्टान का इस्तेमाल किया जाता था, वहां अभी भी डबल टेम्पर्ड, मतलब उसे दो बार गर्म करके उसको सख्त किया जाता है। उस चीज जो छेनी है उसके जो नुकीला सिरा है उसको ऐसे धारदार किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और कार्विंग, जो स्टोन की कार्विंग है उसको करने के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हम जब समकालीन समय की बात करते हैं तो हमें अगर पत्थर में कोई चीज तराशनी है और उसको मशीन की कम से कम सहायता लेनी है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले मिट्टी में बनाते हैं, उसको फिर किसी ड्यूरेबल मटेरियल में ट्रांसफर करते हैं, प्लास्टिक में या प्लास्टर में, उसके बाद उसको मेजर करते हुए फिर उसको कार्व करते हैं। लेकिन हम अगर अपने शास्त्रीय पद्धति को देखें तो वहां पर उसका ड्राइंग बनाने के बाद जो कल शिल्पकार है जो अपनी पारंपरिक कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता जा रहा है, वो उसको कुशलता के साथ उसी ड्राइंग के आधार पर पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण सुंदरता के साथ उसको वहां पर उकेर देता है। और उसमें यहाँ पर जो चिजल दिख रही है वो भी पॉइंटेड चिजल का यूज करते हैं। फ्लैट चिजल जो आप देख रहे होंगे, ये जो मेरा स्लाइड है इसमें कुछ जो चिजल है वो पॉइंटेड है, कुछ थोड़ी सी फ्लैट है। जो फ्लैट चिजल आप छेनी देखते हैं थोड़ी सी चपटी सी होती है वो, तो उसका यूज करते थे। और पत्थर को फिनिश करने के लिए, उसको चमक देने के लिए लैकर पॉलिश का यूज होता था, लेकिन उससे पहले जो छेनी के निशान है उसको मिटाने के लिए उसी पत्थर का या फिर दूसरे पत्थर से उसको घिसा जाता। इसके बाद जब हम वुड कास्ट शिल्प की बात करते हैं तो कास्ट शिल्प में पुरानी मिलती थी, तो उसके लिए भी सबसे पहले अच्छी लकड़ी का चयन, तो देवदार, शीशम, अब वो भी किस देव की प्रतिमा बनानी है उसके हिसाब से उस लकड़ी का चयन, टेक्निक से भट्टी में या फिर हवा में, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसी लकड़ी को सीजनिंग करने के लिए, वर्ण के हिसाब से वो चीज चली जाए, वो खराब नहीं हो। अभी हमारे साथ बहुत सारे विद्वान जुड़े हों, मैं तो उस फेज को मैंने नहीं देखा है कि पुराने टाइम में जब किसी को घर बनवाना होता तो लकड़ी को ले करके वो मौसम के मार झेलने के लिए उसको छोड़ देते थे। आज उसी को स्कल्पचर में या लकड़ी के काम के जो एरिया है उसमें उसे सीजनिंग कहते हैं, उसे वातावरण के अनुकूलित बनाया जाता था जिससे कि उसमें बनाई हुई प्रतिमा या उसमें बनाई हुई कलाकृति लंबे समय तक चले। यहां पर मैंने कुछ समकालीन जो टूल है वो दर्शाए हैं, लेकिन जब हम पारंपरिक जो औजार है उनको देखते तो उसमें भी हमें तीन तरह के जो टूल है वो दिखते हैं। एक है यू टूल, उसका आगे का शीरा जो है वो यू शेप में है। दूसरा फ्लैट चिजल है, फ्लैट चिजल बिल्कुल मतलब उसका सीधा है। और एक वी टूल है जिसका यूज खींचने के लिए या डिटेलिंग, आंखें बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए किया जाता था। और ये चिजल की जरूरत है उस हिसाब से उसको जो शिल्पकार था वो उसका इस्तेमाल पुराने समय में करता था। और उसके बाद उसे सरेस पेपर तो उस समय इतना प्रचलित नहीं था, उसे रेती से घिसकर फिनिश किया जाता था और उसके ऊपर उस समय उपस्थित तेल का इस्तेमाल किया जाता था फिनिशिंग के लिए। जब हम मेटल की बात करते हैं, मेटल की मूर्तियां तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलती है, नर्तिकी की मूर्ति, और आज भी ये बहुत पॉपुलर मटेरियल है और ड्यूरेबल है, इसमें चीजों में टूट फूट नहीं होती है। तो यहां पर मैंने ये जो क्लासिकल कंटेक्स्ट में ये यहाँ पे मैंने ये स्लाइड तैयार की है बुलेट पॉइंट्स के साथ। पुराने समय में अष्ट धातु, पंच धातु, सोना, चांदी और लोहे की भी प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है।
अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी हमें दो एक भीम की प्रतिमा का वर्णन मिलता है और ये एकलव्य एकलव्य को जब द्रोणाचार्य जी के सानिध्य में धनुर्विद्या का अध्ययन करना था अभ्यास करना था तो उन्होंने उनकी प्रतिमा बनाई थी, वो उनकी प्रतिमा का भी हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो धातुएं हैं उनका यहाँ पे परिचय दिया है। अब मैं उसके टूल की बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने ये अपनी स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं कि एक ग्लास जैसा पॉट है बेसिकली। ये उस जमाने में मट्टी और कुछ और पदार्थों को मिलाकर एक पॉट बनाया जाता था, उसमें जो धातु थी उसको पिघलाया जाता था, किंतु ये जो है यहाँ पर ये कार्बोरेंडम का बना हुआ पात्र है। इसका ये हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं करता है, इसका टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है हमेशा, और सिलिकॉन में भी बनते हैं। तो और इसको उठाने की जो संडासी है, इसे अभी कॉन्टेम्परेरी टाइम में टोंग कहते हैं, ऐसे ही टूल उस जमाने में यूज किया जाता था, धातु को पिघलाकर मोल्ड में जो सांचा है उसमें मूर्ति का आकार देने के लिए डालने के लिए। मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। जिस भी मूर्ति को हमें मेटल में बनाना होता था तो उसे हम पहले वैक्स में बनाते थे। और एक मैं बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, अब मैं इस बारे में अपना विचार ही रख रहा हूँ कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से और से देखने को मिलती है, लेकिन हम आज उसे इटालियन प्रोसेस कहते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि संस्कृत में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को मधुचित ताविधानम इस नाम से बुलाते थे, इस नाम से संबोधित करते थे, लेकिन आज इसे इटालियन प्रोसेस के नाम से ज्यादा संज्ञा मिली हुई है, सेरा पॉडियो के नाम से ज्यादा मिली हुई है, लॉस्ट वैक्स के नाम से ज्यादा इसकी लोकप्रियता है। तो हमें जो भी प्रतिमा हमारे पूर्वजों को बनानी होती थी उससे पहले पूर्ण देव को प्रणाम करके उस देव प्रतिमा को बनाना है, उस देव प्रतिमा का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए गुरु के निर्देशन में सानिध्य में उनके आदेश के अनुसार आदेश पर चलते हुए शिल्पकार और उनका पूरा टीम मोम में मूर्ति का निर्माण करता था। मोम में मूर्ति का निर्माण करने से पहले वो उस मिट्टी में मूर्ति का निर्माण करते थे। कहने का मतलब है जैसे मेरा यह हाथ है तो इसके ऊपर जो खाल है, ये जो खाल, क्योंकि हमारे यहाँ हॉलो खोखले मूर्ति शिल्प भी मिलते हैं और सॉलिड मूर्ति शिल्प भी मिलते हैं, तो जब उन्हें खोखली मूर्ति बनानी होती थी तो वो पहले मिट्टी में जैसे मेरी खाल निकाल दी जाए तो उतनी मूर्ति बनाने के बाद उस पर पतला पतला वैक्स जो मधुमक्खी का मोम होता है वो लगाया करते थे। और अगर उन्हें सॉलिड बनानी होती, सॉलिड चाहिए, जो भी इष्ट देव की मूर्ति का जो भी नियम रहा है, जैसे अभी छोटी मूर्ति है तो उसे ज्यादातर हमारे यहाँ पर उसको सॉलिड बनाया गया है, वो भर्तु है, वो अंदर उसमें खोखला नहीं है, तो उस पूरी मूर्ति को वैक्स में बनाया जाता था। उसके बाद उसमें अब मैंने यहाँ पे उसका चित्र नहीं आपको दर्शाया है, वो मैं अभी आधुनिक जब आपको शेयर करूंगा तो मैं उससे आपका संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा। तो उस मूर्ति के साथ कुछ पाइप जोड़े जाते थे, वैक्स के पाइप, मोम के पाइप जोड़े जाते थे ताकि उसमें एक पाइप से मेटल जा सके और दूसरे पाइप से उसकी जो एयर है वो बाहर जा सके। उसके पश्चात इस पर मिट्टी, दीमक की मिट्टी, भूसा, इन सब से मिक्स करके इसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया जाता था। आवरण चढ़ाने के बाद इस पूरा जो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता था, इसको इन्वेस्टमेंट मोल्ड आज की लैंग्वेज में कहते हैं, उस पूरे जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट है इसको फिर भट्टी में पकाया जाता था। तब तक पकाया जाता था जब तक कि उसका पूरा मोम जो है वो उसका लोप ना हो जाए, उसका ह्रास ना हो जाए, पूरी तरीके से इनविजिबल ना हो जाए। जब ये पूरी तरीके से इसका वैक्स जो है वो गायब हो जाता था, इसी कारण
जो वैक्स जो है वो गायब हो जाता है, इसीलिए इसे लॉस्ट वैक्स कहते भी हैं आज के समय में। उसके पश्चात जो ये पाइप लगाए गए हैं मोल्ड को उठाकर उसको सुरक्षित स्थान पर सैंड पिट पर रख कर फिर उसे इस ये जो सामने उपकरण दिखाए गए हैं इसी तरह के प्राचीन उपकरणों की मदद से उसमें मेटल पोर किया जाता था। और मेटल पोर होने के बाद पश्चात जब मेटल ठंडा हो जाता है वो जो वो भी अपेक्षित मेटल की हमें अष्ट धातु में बनाना है, पंच धातु में बनाना है, सोने में बनाना है, सिल्वर में बनाना है या आयरन में बनाना है, अपेक्षित धातु को पिघलाकर उसमें उसको डाला जाता था और उसके ठंडा होने के पश्चात ऊपर के आवरण को तोड़कर उसमें से अपेक्षित जो देव प्रतिमा है उसको निकालने के पश्चात उसको रनर राइजर को काट कर उसको फिनिश किया जाता था रेती और औजारों की मदद से उसको घिस करके उसको। मैं ये भी एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर प्रतिमा में किसी तरह की इस प्रोसेस में कोई भी त्रुटि हो जाती थी तो ये प्रोसेस फिर से प्रारंभ से किया जाता था। ये नहीं है कि बीच में ऐसे आज है कि हमारी मैं अगर एक प्रतिमा बना रहा हूँ उसमें मेटल कास्टिंग करते समय अगर छेद आ गया तो मैं आज गैस वेल्डिंग कर दूंगा उसमें। प्राचीन काल में देव प्रतिमा के साथ इस तरह का कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं किया जाता था, फिर से पुनः पूरी पद्धति को दोहराया जाता था। फिनिशिंग के पश्चात उस मूर्ति पर प्राकृतिक रूप से उस धातु का जो सतह है उसको भी सीजन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता था वो प्राकृतिक तरीके से किया जाता था। उसे मिट्टी में दबा दिया गया या फिर उसके ऊपर नींबू का लेप लगा दिया गया। इस तरह के जो प्राकृतिक तरीके हैं मेटल के जो सरफेस है उसके कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। इसे आज आधुनिक समय में पैटिनेशन कहते हैं, पैटिना लगाना कहते हैं इसे। इस क्रिया से किसी तरह का मेटल के ऊपर कोई कलर नहीं आता है बल्कि उस मेटल की रंगत बदल जाती है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है, वो उसकी रंगत जो उसका सरफेस का कलर है वो ही चेंज हो जाता है। मैं अभी समकालीन जो तरीके हैं उनकी बात आपको उसको जिससे आपको और उसमें स्पष्टता और वो होगी। जो अभी समकालीन समय है इसमें मैंने आपको औजार दिखाए हैं, इस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। आज टूल्स कल इंडस्ट्रियल के जो टूल दिखा रखा है एक है, इसका इस्तेमाल मूर्ति को जब अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो मूर्ति को छोटा या बड़ा करने के लिए उसके स्केल मॉडल की रचना करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था। इसे प्रोपोर्शनल कैलिपर फॉर स्कल्प्टर ऐसा इसका नाम है, प्रोपोर्शनल कैलिपर इसे कहते हैं। अब हम क्ले स्कल्पचर की जब बात करते हैं आधुनिक समय में तो प्राचीन काल में तो सांचा लेकर उसे उसे किसी ड्यूरेबल मटेरियल में ट्रांसफर नहीं किया जाता था मेटल के अलावा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल अवेलेबल है, प्लास्टिक हो गया है, फिर सिलिकन हो गया है, प्लास्टर है, फिर सीमेंट ये है, तो उस समय अभी के टाइम में इसको ट्रांसफर करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन प्राचीन काल में और हमारी पूजा पद्धति में भी प्लास्टिक प्लास्टर इन ये जो प्रतिमाएं हैं इनको कहीं पर भी नहीं स्वीकार किया जाता है हमारे पूजा पद्धति में या हमारे जो शास्त्रीय पद्धति है उसमें। लकड़ी, पत्थर और धातु और रत्न, यही चार पदार्थ जो है वो स्वीकार किए जाते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है कि उनके अंदर इन धातुओं में जो कंपन है, जो इनके अंदर जो तरंगे हैं, उनका मूर्ति बनाने के बाद जब उनकी स्थापना होती है तो उसके बाद जब जो भी साधक है उसके सामने जब साधना करता है तो उसका अलग उसका जो प्रभाव होता है, बजाय जो आजकल के आधुनिक माध्यम है उनका जो वाइब्रेशन है और उनके वाइब्रेशन में जमीन आसमान का ये
ऐसा मैं कह सकता हूं। आज जो मिट्टी की मूर्ति, आज जो मूर्तियां बनती है उसमें मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले अगर मिट्टी में मूर्ति बना रहे हैं, सिर्फ मिट्टी में हमें उसे पकाना है तो उसे मिट्टी की मूर्ति बनानी है, उसके अंदर ये यहाँ पर मैं अगर आपको कर्सर दिखाऊं तो यहाँ पर ये आर्मेचर है जो अगर हम मूर्ति बनाकर उसे दूसरे माध्यम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर डालते हैं, उसके बाद हम उसमें जितनी भी साइज की मूर्ति बनानी है हम उसको बनाते हैं, उसमें क्ले अप्लाई करते हैं। तो हमें इस तरह की ये जो रखा हुआ है बेसिकली ये तो प्लास्टर में या फिर फाइबर ग्लास में है, इस तरह की मिट्टी की प्रतिमा बन जाती है, उसकी फिनिशिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर ये जो आप कवर देख रहे हैं उसके ऊपर इस तरह का प्लास्टर से मोल्ड लेते हैं या सिलिकॉन से मोल्ड लेते हैं या फाइबर ग्लास से, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल उनसे मोल्ड लेकर फिर इस तरह से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक मानवकृति का जो धड़ है वो दिख रहा है उसका प्रोडक्शन करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि कार्विंग के लिए तो आज हमारे पास कार्विंग, हम इससे अगर अनुभव करें कि प्राचीन काल में जो प्रतिमाएं बनी है उनको फिनिशिंग करने के लिए तो औजार नहीं थे, इसीलिए जब हम कभी भी किसी प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट को देखने जाते हैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं दशावतार मंदिर को देखा है मैंने, तो वहां देखने पर लोग मुझे कहते थे कि उस मंदिर को आप जाएंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसे किसी देवता ने बनाया है उस, या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोगों ने बनाया या यानी एलियंस ने बनाया। लेकिन जब मैं वहां जाकर मैंने देखा है तो मुझे सच में ऐसा लगा है कि ये उस जमाने में बिना मशीनों के इतनी कुशलता के साथ जो शिल्प बनाए हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मनुष्य ने बनाया, ऐसा लगता ही है कि वो किसी एलियन ने बनाया होगा, ये भगवान ने खुद आके बनाया है या उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा थी। तो मैं यहाँ जो पारंपरिक टूल है वो मैंने यहाँ पे भी रखा है, ये पारंपरिक टूल तो आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टोन को कार्विंग करने के लिए आजकल ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, स्ट्रेट ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर, इस तरह की भी बड़ी सारी मशीनें आ गई हैं, फिनिशिंग के लिए बड़े सारे डिस्क आ गए हैं, टूल्स आ चुके हैं, आजकल एयर प्रेशर से भी काम किया जा रहा है। तो ये एक जो समसामयिक समकालीन आपको एक भ्रमण है उसके ऊपर मैं एक संक्षिप्त, जब हम मूर्ति स्टोन कार्विंग या वुड कार्विंग करते हैं, दोनों कार्विंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको उसका आइडिया को, जैसे उसको ड्राइंग को विजुलाइज करते हैं, ध्यान तो नहीं करते, विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज करने के बाद फिर उसकी ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है मकेट, उसका छोटा प्रारूप बनाते हैं, छोटा प्रारूप बनाते हैं, वो उसी के बेसिस पे, उसी प्रारूप के बेसिस पे हम फिर फाइनल जो हमें मूर्ति बनानी है उसका, जो भी जिस पत्थर में बनानी है या लकड़ी में बनानी है उस मकेट को सामने रखकर, उस जो छोटा प्रारूप है या उसी के साइज का प्रारूप है उसको सामने रखकर, उसको देख देख कर उसमें उसको हम मेजरमेंट के हिसाब से कार्व करते हैं। देख रहे हैं टूल्स, इन जो मशीन्स हैं इनकी सहायता से आसानी से उसको फिनिशिंग, उसकी डिटेलिंग हम करते हैं, और पॉलिशिंग के लिए आज वैक्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल्स अवेलेबल है, उनके थ्रू हम इन्हें पॉलिश करते हैं। पुराने टाइम में मैरियन पॉलिश, वैक्स लेकर इनकी पॉलिश की जाती थी, जिनकी चमक आज तक नहीं जा रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम आज पॉलिश करते हैं पत्थर पर, लेकिन वो पत्थर की पॉलिश दूसरे दिन ही चली जाती है और हफ्ता भी नहीं है उसका मतलब गुजरता है। यहाँ पे मैंने आपको ये टूल्स दिखा रहा हूँ कि तीन तरीके ही टूल्स वुड कार्विंग के लिए यूज किए जाते हैं, यू शेप टूल और फ्लैट टूल। इसमें भी मकेट बनाया है, उसका ड्राइंग मकेट, फिर उसको जो भी अपेक्षित लकड़ी है, आजकल लकड़ी को सीजनिंग करने के लिए भट्टियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कंप्रेशर वैक्यूम टेक्निक है, बड़ी सारी टेक्निक्स है जिसमें हमें घंटे में, एक घंटे में, तीन घंटे में हजारों मन लकड़ी जो है वो सीजन होके मिल जाती है। टर्माइट ट्रीटमेंट भी आजकल होते हैं, पुराने टाइम में कि जो बिना टर्माइट ट्रीटमेंट के ही सीजनिंग करके जो हमारे पूर्वज हैं वो
लकड़ी को उस अवस्था में लेके आ जाते थे जिससे वो आज तक भी बची हुई है। फिर ये यहाँ पर एक मैंने मशीन का टूल दिखाया है, ये आजकल लकड़ी में कार्विंग के लिए, पत्थर में कार्विंग करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, मेटल कास्टिंग। अभी मैं आपको जब पारंपरिक जो मध्यच्छेद ताविधानम है उस प्रक्रिया की बात कर रहा था, तो ये जो यहाँ पर लाल रंग की आकृति है ये वैक्स में बना हुआ मॉडल है और इसके साथ ये एक पाइप जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये रनर है और नीचे के हिस्से से ही यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उसने इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को ही गैस पाइप की तरह यूज किया है। इसमें उसने गैस पाइप जो है अलग से नहीं लगाया है, इसी में ही यूज किया है और जो फाइनल प्रोडक्ट है ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये पारंपरिक पद्धति जैसा ही है लेकिन आजकल एडवांसमेंट हो गया है, आजकल वैक्यूम कास्टिंग आ गई है। अब पुराने टाइम में मट्टी के मोल्ड, मट्टी चून दीमक की मट्टी, इस तरह से जो मोल्ड बनते थे, आज मोल्ड क्या है, सेरेमिक मोल्ड बन रहे हैं, प्लास्टर में मोल्ड बनाकर हम उसको इजिली जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो त्रुटियों की संभावना है, यहाँ पर हम काम करते तो हैं लेकिन उसमें त्रुटियां होती हैं। अब जब हम क्लासिकल उसकी बात करते हैं तो वहां पर धीमा जो उनका जो प्रोसेस है वो धीमा जरूर है लेकिन उसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम है। ये सैंड, ये जो पहली प्रोसेस थी वो सैंड का, वो इटालियन प्रोसेस थी सेरा पाजू, जिसे हमारे शास्त्रों में मध्यच्छेद ताविधानम कहते हैं, ये सैंड कास्टिंग है। इसमें एक बक्सा होता है, उसमें जिसमें छोटी कास्टिंग ही हो सकती है, जैसे हम अपने घर के हैंडल देखते हैं, दरवाजों के हैंडल, ये आपका दरवाजों के हैंडल, वो टैप्स हो गए, वो इसमें ही बनते हैं। इसमें बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर वो जो भी हमें ऑब्जेक्ट कास्ट कर रहा है उसका इंप्रेशन लेते हैं। इंप्रेशन लेने के बाद अगेन मेटल को सेम मेथड से मेल्ट करके इसमें, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कैविटी है, उसका इंप्रेशन लेके उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर वापस अगेन कैविटी के साथ बॉक्स को बंद कर देते हैं और मेटल को डालते हैं। तो हमें जो डिजायर्ड जो फॉर्म है, जो हमने उसमें इंप्रेशन लिया था, उसकी हमें मेटल जो ट्रांसफर फॉर्म है वो हमें मिल जाती है। ये हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का ये डोखरा प्रोसेस है, ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है। जो हमारा क्लासिकल मेटल कास्टिंग प्रोसेस था कुछ हद तक इसके बहुत पास था, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे आदिवासी समाज है वो इसको मध्य प्रदेश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें हम इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सिंग की जा रही है, वैक्स में मॉडल बनाया जा रहा है, फिर उसके अंदर जो मिट्टी का ये मॉडल बनाया गया है उसके ऊपर फिर वैक्स से मॉडलिंग की गई है, यहाँ वैक्स प्रिपेयर की गई है, सॉरी यहाँ पे उसको पकने के बाद डीवैक्सिंग की जा रही है, ये मॉडल बनाया हुआ है, ये वैक्स का मॉडल बन रहा है, इसके बाद मोल्ड बना हुआ है, फिर इसको कास्टिंग की था भट्टी में उसको, और उसके अंदर इस मेटल को अलग से नहीं, ये जो आप ये सर मोल्ड देख रहे हैं, इसमें जो तो उसके सिर पर समझ लीजिए कि वो मेटल भरा हुआ है और अंदर वैक्स का है, तो वैक्स नीचे से डीवैक्स होकर निकल जाता है और जो ऊपर का मेटल है वो मेल्टिंग पॉइंट पर आकर मेल्ट करके धीरे धीरे वो मूर्ति के अंदर जो कैविटी है उसमें स्पेस ले लेता है और फिर उसको हम तोड़कर जब निकालते हैं तो मेटल का जो भी ऑब्जेक्ट है जो दीवार है वो निकलती है और उसे हम फिर फिनिश कर लेते हैं। अब मैं आपको जो आज का एडवांसमेंट है वो, और जो हम आज एडवांस हो गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज हम मूर्ति देखते हैं तो हम देखते हैं कि या मैंने अभी आपको कोई मूर्ति दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे कि मैंने इन्हें बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। आपको जो मेरे स्क्रीन पे मैंने जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है ये बेसिकली एक 3D स्कैनर है। आज इस 3D स्कैनर की मदद से आप किसी भी जो भी विद्यमान मूर्ति है या व्यक्ति है उसका 3D स्कैन करके उसको 3D सॉफ्टवेयर्स की मदद से, मैक्स माया जीब्रस ये जो सॉफ्टवेयर है इनकी मदद से उसकी 3D फाइल बनाकर, ये 3D स्कैन होने के पश्चात
उसको 3D प्रिंटर में उसको कमांड देने के बाद 3D प्रिंटर से उसका प्रिंट निकल सकता है। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है 3D प्रिंटिंग से, ये छोटे छोटे मॉडल ही इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या उसको टुकड़ों टुकड़ों में बना के जोड़ के थोड़ा बड़ा मॉडल किया जा सकता है। लेकिन एक मशीन जो और है, जो वो है, दैट इज सीएनसी मशीन। ये आज के जमाने में इसका जो एनलार्जमेंट में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी छोटी प्रतिमा का अगर हमें एनलार्जमेंट करना है तो ये इसमें हमें उसको 3D स्कैन करके इस फाइल को अपलोड कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये मशीन जो है वो जो भी पत्थर हमने लगाया या फिर हमने थर्माकोल लगाया या उसको क्ले को, इंडस्ट्रियल क्ले को, किसी का बहुत बड़ा ब्लॉक, जितना बड़ा हमें मूर्ति चाहिए ब्लॉक बना के उसके तो वो उसकी मिलिंग करती है। इसमें ड्रिल मशीन जैसा बिट लगा हुआ है और वो ड्रिल मशीन वो एक लाइन में चलती है और वो धीरे 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 उसको कार्व करती रहती है। तो इस तरह से आज का जो टेक्निक है वो इतना एडवांस हो गया कि 3D से हम जो भी हमने छोटी फॉर्म बनाई है वो उसका एनलार्जमेंट हम कर पा रहे हैं। मैं ये यहाँ पे बताना भूल गया, लेकिन फिर भी अभी तक ये ना ये जो टेक्निक्स आई है ये अभी तक, मतलब जो आर्टिस्ट का जो क्रिएटिविटी है उसको अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाई है। मतलब इसमें आर्टिस्ट की जरूरत होती ही है फिनिशिंग के लिए या उसको कमांड करने के लिए। ये आजकल जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में जो लेटेस्ट स्कल्पचर कर चल रहे हैं ये स्क्रैप मटेरियल में है, मेटल में जोड़ करके आर्टिस्ट अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। ये हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पचर है, ये इतना रियलिस्टिक है कि आप अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रतिमा है या वाकई में कोई इंसान। बॉडी टेम्परेचर तक कलाकार इसमें विज्ञान की मदद से मूर्ति बनाने के बाद फाइबर ग्लास, सिलिकन और ये जो थ्रेड्स हैं, हेयर थ्रेड्स लगाने के बाद बॉडी टेम्परेचर भी इतना कर रहा है कि अगर लाइफ साइज एक स्कल्पचर आपके सामने रखा हुआ है तो आप उसको टच करने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये प्रतिमा है या मूर्ति है। ये मॉडर्न स्कल्पचर है, ये इसमें आर्टिस्ट ने जो भी अपना आइडिया विजुलाइज किया है उसको एक्सप्रेस किया है। बदलता हुआ जो मूर्तिकला का बदलता हुआ स्वरूप है, ये लैंड आर्ट है। इसमें आर्टिस्ट ने इंस्टॉलेशन क्रिएट किया है। सॉरी, धन्यवाद। ये मैंने आपके सामने प्राचीन क्लासिकल जो एरा था उससे लेकर आज तक जो मूर्तिकला में परिवर्तन हुआ है उसकी बात कही है, और अभी ये शास्त्रीय जो पद्धति है, जो परंपरागत क्लास जिंदा रखा हुआ है, लेकिन हम स्कूल कॉलेजेस, जो आर्ट कॉलेजेस में जो चीजें चल रही, जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें इसका पूर्णतया लोप हो चुका है। जैसे मैं कहूँ तो मैंने जितनी भी बातें कही हैं ये सारी पढ़ी लिखी बातें हैं, और मैं, मेरा ये एफर्ट है कि मैं अभी जो मूर्तियां बनाता हूँ उनमें मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं शास्त्रीय नियमों का पालन करूं। उसमें जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं कि अगर भगवान राम की प्रतिमा बना रहा हूं तो वो भगवान राम प्रतिमा ताल की हो, अब मैं उसका विजुअलाइजेशन, उसका साक्षात्कार करके तो बनाने की स्थिति में हूं नहीं हूं, वो तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये है कि ये जो नियम है इनका पूर्णतया मैं फॉलो करूं जितना भी हो सकता है। और ये जो नियम है ये इनका जो इस तरह से, मतलब इनका लोप हो चुका है कि इनको एक्सप्लोर करना भी थोड़ा कठिन है। ये अलग भाषा, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा जो है वो ज्ञान की भाषा है, लेकिन अभी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मैंने एक श्लोक आपको उसमें ध्यान श्लोक रखा था, लेकिन आप में बहुत सारे लोग जो है संस्कृत के विद्वान है, इस भय से मैंने उसे पढ़ा नहीं कि कहीं पर उसमें मुझे पढ़ते समय कुछ ना कुछ तो त्रुटि हो सकती है। जी, इसलिए मुझे साहस नहीं किया उसको पढ़ने के लिए। नहीं, तो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहिए था से,
तो मैंने यहाँ पे पूर्ण प्रयास किया है कि क्लासिकल जो एरा था उसमें क्या टेक्निक्स यूज होती थी और आज एडवांसमेंट किस हद तक चला गया। अभी मैं एक और मूर्ति का एग्जांपल दे देता हूँ। आपने ये यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो जो मैंने ये जितनी टेक्निक्स आपको दिखाई है यहाँ पर, इन सब टेक्निक्स को यूज करके बना, उसका पहले उसके छोटे मॉडल का लाइफ साइज मॉडल का 3D स्कैन हुआ है, उसके बाद उसका CNC में सिर्फ मोल्ड हुई है, उसके बाद उसकी लाइफ डायरेक्ट मेटल में उसका ट्रांसफर हुआ। सर इसके साथ ही मैंने अपना वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी ऐसी बातों से परिचित कराया है जिसके बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और अभी आपका ये लेक्चर सुन के मेरे मन में और बहुत सारी जिज्ञासाएं और पैदा हो गई हैं कि इसको, इस विषय को और विस्तार पूर्वक और सूक्ष्मता पूर्वक समझा जाए, क्योंकि अभी भी आपने ये तो हमें टूल्स तो बताए और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो सारी बातें भी समझाई, वो भी आया। अभी एक पक्ष मुझे लगता है कि जो हमें और समझना है कि वो जो आर्टिस्ट है और जो वो स्टोन है, जो मीडियम है, उसके बीच का संबंध जो है उसको और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो केवल मेरे लिए ऐसा नहीं है कि वो केवल एक कोई स्किल है, वो बिल्कुल अपने प्राणों को वहां स्थापित करता है और अपने प्राणों को चेतना का निर्माण कर रहा है। मतलब अगर मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करूं तो मेरे लिए तो वो है कि वे जो मूर्तिकार है वो अपनी पत्थर में चेतना का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को मुझे लगता है और हमें अभी अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता और गहरे से समझने की आवश्यकता है, लेकिन आपने इतना ही हमें बता दिया है, यही मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि इन विषयों के बारे में हमें बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन चलिए कुछ एक प्रश्न हैं, और सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर रवि जी हैं और अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं इसरो के, तो मैं चाहूंगा कि उनसे हम बात शुरू करें। डॉक्टर साहब अपनी स्क्रीन विड्रॉ कर लीजिए। जी रवि जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश पाल, आपने ये दो अलग अलग पहलू बताए जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी ने उसका फिलोसॉफिकल और अपने संस्कारों से संबंधित रिश्ता बताया, और आपने पुराने समय से लेकर अभी तक आपने वो दिया। मेरा एक प्रश्न तो था वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, कि आपने पार्शल जवाब दिया। दूसरा जवाब होगा उसके पीछे जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट तो एक टावर की तरह उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, तो उसकी विंड और उसकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कंप्यूटर से अलग हुआ होगा, और उसमें जो शीट्स लगी हुई हैं जिनसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वो CNC से स्केल अप हुई होंगी, तो एक एक पीस अलग अलग करके उन्होंने उसको बनाया। जी जी बिल्कुल, को CNC में नहीं कर सकते, उस छोटी प्रतिमा को स्केल करते गए 3D वाली को, और उसे नहीं, मैं यही बोला था जो CNC मशीन है वो एनलार्जमेंट के लिए उसमें यूज हुई है, उसके ना मोल्ड्स बने हैं। जी उसके मोल्ड्स बने, उसके बाद ना मोल्ड्स बनने के बाद उसमें उसको उस मोल्ड्स के अंदर मेटल शीट को डालकर ट्रांसफर किया गया है, उस शेप आउट किया गया, बाद में उसको वेल्ड किया। यस सीधा शीट को वेल्ड नहीं किया, सीधा नहीं उसमें शेप आउट करने के बाद वेल्ड किया है। अच्छा, क्योंकि सीधा करेंगे तो फिर वो जो प्रतिमा थी जिसको 3D स्कैन किया उसका शेप नहीं आएगा। बेसिकली वो हमारे बहुत बड़े एक स्कल्प्टर हैं, हमारे पूजनीय हैं वी राम सुतार जी, पद्मश्री वी राम सुतार जी, उन्होंने उसका लाइफ साइज मॉडल बनाया, उसके बाद उसका 3D स्कैन हुआ,
और जो कंपनी है उसका 3D स्कैन हो करके फिर उसका एनलार्जमेंट जो है इस प्रोसेस के साथ किया गया है। प्रतिमा जो है व्यक्ति वास्तविक सुंदर जी ने बनाई है। यही प्रोसेस क्या भगवान शिव की जो 140 फुट की कोयम्बटूर की सदगुरु वाली मूर्ति है, कोयम्बटूर सदगुरु की भगवान शिव की आदि, हाँ योगी आदि योगी है उसका शायद नाम जी, जी। वो उसी तरीके से बनी है। सर इस विषय में मैं नहीं कह सकता क्योंकि देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि मूर्ति बनाने का एक जो एडवांसमेंट है ये भी है। हाँ, लेकिन वो तो मैं ये नहीं कह रहा वो तो हाँ, मैं त्रिक, जी जी त्रिक, मैं उसमें श्योर नहीं हूं कि वहां पे जो आर्टिस्ट है उसने कैसे बनाया। दे दूं जी आपको सूचना दे दूं कि बड़े 3D प्रिंटर से अब लूनर कॉलोनीज एस्टेब्लिश होंगी। ओके सर, थैंक यू। और लूनर सॉइल को ही यूज किया जाएगा, लूनर सॉइल में जो केमिकल्स मिलाए जाएंगे उससे वो स्ट्रक्चरली स्टेबल ड्वेलिंग्स हो जाएंगी, यहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं ले जाएंगे भूमि पर। एक बात, दूसरी बात, हमने मेरे कलाम साहब को जब ट्रेन कर रहे थे उस समय की बात है, हमने फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से जेट इंजन्स की केसिंग्स भी यहाँ बनाई हुई। व्यापक बातें हो गई। अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाह रहा हूँ। आपने स्थापत्य कला से संबंधित उपवेद है, स्थापत्य उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं इसको, जी जी, उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं दिनेश जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी। वो एक्चुअली आपको डिस्टर्बेंस आती है। जी जी, अब आपको सुनाई दे रहा है? जी जी, मुझे पहले भी सुनाई पड़ रहा था सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्थापत्य उपवेद बताते हैं, एक हमारे मैथमेटिक्स के, वैदिक मैथमेटिक्स के टीचर है जी। प्रोफेसर कपूर, वो बताते हैं कि स्थापत्य उपवेद है, वो अथर्ववेद का उपवेद है, जैसे आयुर्वेद है वैसे जी। तो उसके बारे में आप कुछ पढ़ा है? मैंने सर समरांग सूत्रधार के बारे में पढ़ा है। अच्छा, अब ये मैं क्लियर नहीं हूँ, हो सकता है समरांग सूत्रधार को अगर वेद कहते तो मुझे इसके बारे नहीं, में नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, वो अलग ग्रंथ है जी जी। दूसरा ये निवेदन करना चाहता था जी, कि जो प्रतिमा और गर्भगृह का जो कॉम्बिनेशन है जी, वो उसका वर्णन मल्टी डिमेंशनल वैदिक मैथमेटिक्स में है जी। और उसका एक उदाहरण मैं केवल देना चाहूंगा, वो है फोर डिमेंशन में ब्रह्मा के जो चार मुख हम बोलते हैं ना जी, 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 चार डायरेक्शन में मुंह है, वो तो एक कलाकार डिपिक्ट करता है उसको जी, जी, जी। पीछे की जो भावना है फोर डिमेंशनल ज्योमेट्री की है, उसको कभी और लेंगे, लेकिन ये आपको कह रहा हूं कि कई मंदिर उस मैथमेटिक्स पर बेस्ड बने जी जी, उसके आकार, उनके गोपुरम और ये सब जो भी है वो उस मल्टी डिमेंशनल वैदिक मैथमेटिक्स पर बेस्ड है जी। इतना ही मुझे कहना था। अब मैं चुप होता हूं, लेकिन एक सवाल आशुतोष जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सरस्वती वाले मतलब 5-6 वो बताए, उनमें पहला सरस्वती था वो मैंने मिस किया, 5 मिनट लेट। नहीं नहीं, सरस्वती के ऊपर नहीं था वो, तो यही था त्रिमूर्ति शिव है, सत्यवती उपासना। हाँ सत्यवती उपासना, तो वो है कि जिसके ऊपर दृष्टि है और भावना भी उसी के ऊपर है तो वो सत्यवती बनती है, तो उसको श्रेष्ठतम जो है वो मूर्ति निष्पादन उसमें से होगा जी। मैं अपना एक लास्ट पॉइंट और आप सब लोगों को सोचने के लिए 2-3 कहे, एक और मैं निवेदन करूंगा, वो ये है कि विश्व के सब धर्मों में जी जो मूर्ति के उपासक नहीं थे, जैसे भगवान बुद्ध, उनकी सबसे ज्यादा मूर्तियां आज विश्व में बिकती हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो मूर्ति के बिना काम नहीं चलता।
कैथोलिक मंदिर में भी जिस चर्च में जाते हैं हम, उसमें क्रॉस का रूप होता है, और क्रॉस का तो रूप होता है प्रोटेस्टेंट्स में ज्यादा, और कैथोलिक्स में तो वो भगवान क्राइस्ट की फोटो भी बनाकर, मतलब वो मूर्ति बनाकर, वो लकड़ी में ही हो या और किसी चीज में, उसको प्रतिष्ठित है। इसी तरह जो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स हैं, उनमें भी उसी ब्रह्म की ओर वो सारे आइकॉन्स इंगित करते हैं, जो कि हमारी सारी मूर्तियां भी आगे जाकर आपको निराकार की ओर, ब्रह्म की ओर इंगित करती, चाहे वो मूर्ति के माध्यम से हो। बस ये कह के मैं अब चुप हो जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये रुचिकर बात है, और इसमें कई ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसमें इस विषय पे काफी चर्चा है। हालांकि मैंने भी बस ऐसे सतही तौर पे देखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस विषय को और गंभीरता से हमें देखना होगा। लेकिन इससे पूर्व और मैं कुछ प्रश्न ले लूं, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र जी। गुप्ता जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। रविंद्र जी सर, हाँ रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए तब तक मैडम राजेंद्र और विनय सिंगल ले लेते हैं, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। मैडम विनय जी। सर नमस्कार। सर बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज्यादा सुंदर प्रेजेंटेशन, मैं बधाई देती हूँ इस चीज के लिए, और आपको तो बार बार बधाई का नमन है कि नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं। ये प्रतिमा के विषय में जो हमने सबसे पहले अभी पढ़ना शुरू किया, हाल ही में जो रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि रामलला के जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था कि रामलला की आईज बनाने के लिए उन्होंने गोल्ड के टूल्स का प्रयोग किया था, और बड़ा अरुण योगीराज जी इसमें वो आए कि किस किस टूल का प्रयोग किस किस तरह से किया गया। जो पहला प्रश्न है कि एक और बात और इसके साथ ही बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत वर्ष पहले, शायद 8-10 वर्ष पहले, किसी ने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। वो पेंटिंग मेरी शिफ्टिंग में कहीं संभाल के रखी गई है, मुझे पता नहीं है कहाँ है। उसमें एक गर्भ, एक सरयू नदी का सीन है जहां पे भरत खड़े हुए रात को इंतजार कर रहे हैं कि राम उतरने वाले हैं, और उस उतरने के लिए फिर वो क्या है कि मंदिर बने हुए हैं और उसमें गर्भगृह बने हुए हैं, और उसके ऊपर विमान उड़ रहे हैं, और विमान आकर के उस गर्भगृह, मतलब जिस तरह से जो शेप उस गर्भगृह के ऊपर के स्थल की है, वही शेप उस उड़न तस्त्री टाइप विमान की है कि वो आकर के उसके ऊपर ठहर जाएगा। विमान जो है राम का, उस गर्भगृह के उसके ऊपर आके ठहर जाएगा, और भगवान जो है उस गर्भगृह में उतर जाएंगे। तो क्या गर्भगृह का क्या महत्व था? मतलब मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है, और कई वर्षों से मैं इस प्रश्न को लिए हुए हूँ अपने अंदर कि क्या क्या महत्व था उस गर्भगृह का, कि वो उड़न तस्त्री शेप का जो विमान था, क्या वो उस गर्भगृह के उसके ऊपर आकर के टिक जाता था, क्योंकि उसके ऊपर किसी और मंदिर का निर्माण नहीं होता था। एक तो ये बहुत, दूसरी बात है कि जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनती है उसके लिए एक विशेष विधान है कि उसको कुछ ही मूर्तिकार बनाते हैं, मतलब ये सभी को पता है कि उसका एक विशेष विधान है, तो उसका क्या महत्व है? तीसरा कि कुछ प्रतिमाएं आज भी जीवंत गिनी जाती हैं, सभी जानते हैं कि जैसे बांके बिहारी की कह लेते हैं, या हम कह देते हैं कि पद्मनाथ मंदिर के भगवान का, तिरुपति बालाजी के हैं, अभी वो बार बार चंदन डालते हैं उनके एक चेहरे पे। तो ये सब प्रश्न, मतलब इनमें प्राण प्रतिष्ठा, और तीसरा ये, चौथा ये कि अरुण योगीराज स्वयं कहने लगे कि जब मैंने रामलला की प्रतिष्ठा के बाद राम के दर्शन किए उनके, तो वो बहुत भिन्न प्रतीत हुई। तो ये कुछ बातें मन के अंदर उठती हैं, ये भी प्रतिमा से ही संबंधित हैं, जो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लेकिन ये मुख्य हैं। चलिए ले लेते हैं इन प्रश्नों का उत्तर भी, लेकिन साथ में जो कुछ और प्रश्न है उनको भी ले लेते हैं। डॉक्टर रविंद्र जी और फिर मैडम इंदु जी। डॉक्टर साहब अपने को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही।
रविंदर जी आपकी सर आवाज नहीं आ रही, सर आपके आवाज नहीं है, या तो आप रीज्वाइन करें, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। तब तक मैडम इंदु जी और डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी, मैडम इंदु। हाँ सर नमस्कार, सभी को प्रणाम। इतने बड़े विद्वान हैं, जिज्ञासा है बहुत सारी, जागृत हो गई, बहुत रोचक विषय है। नहीं नहीं, लेकिन संक्षेप में हाँ बिल्कुल सर, संक्षेप में, हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे। तो मैं सर ऐसे बोल रही थी इसके अंदर कि वैसे तो मंदिरों में मूर्तियां 3D इमेज की मिलती है, ऐसे में जिसका अर्थ विशेषज्ञ समझाते रहते हैं, है ना। और यहाँ जयपुर में भी ऐसा है कि है ना, एक मंदिर में घड़ी लगी हुई थी जो पल्स से चलती, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, वो भगवान के बांधते ही वो चलने लग गई, अभी भी चलती है। लेकिन मैं एक चीज पूछी थी कि जब भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं, हाँ इसकी पूजा करते हैं, ये वैसे पता नहीं इसके संबंधित विषय है नहीं है, लेकिन उसके अंदर यदि वो खंडित हो जाती है तो हम उसका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा स्थापित है, तो इस कंडीशन में क्या सही है ये समझ में नहीं आया। और क्या दूसरा, अगर उसके पास विग्रह आ जाता है तो क्या उसमें प्राण आ जाते हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। ये कुछ ना चमत्कारों को ढूंढना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं, जी जी जी, आस्था जागृत होती है। हाँ डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर। मैं कह रहा था हो सकता है थोड़ा मैं देर से जुड़ा विषय पहले आ गया हो, लेकिन फिर भी जो थोड़ा मेरी जानकारी में है कि हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं शालिग्राम और माता रानी के पिंडे और तीसरा शिवलिंग, मूर्ति पूजा सीधे सीधे हमारे यहाँ शायद पहले नहीं थी। मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई, अगर ये विषय थोड़ा आ जाए तो। ओके चलिए ठीक है। हाँ जी डॉक्टर रविंद्र जी। सर सर देर अब आ गई शायद आवाज। बिल्कुल बिल्कुल आ गई सर। सर ऐसा है कि पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने मुख्य वक्ता का, लेकिन एक बात मेरे को आ रही है कि जो साकार, ये जो प्रतिमा का है साइंस, ये साकार रूप है जी। और यदि आप भगवद गीता के 7वें अध्याय में जाए, 24 से 28 श्लोक, तो वहां पर निराकार की बात है जी जी, अव्यक्तम से शुरू होता है यह बात, अव्ययी। मेरा ये कहना है सर कि हमें दार्शनिक दृष्टिकोण से इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कहीं हम ये मूर्ति पूजा को कर्म कांड से जोड़कर, जो सही भक्ति भाव है या ब्रह्म को जानने की बात है, दार्शनिक दृष्टिकोण मुक्त हो रहे हैं। और दूसरा सर वो एडिशन ही है, मुझे लगता है कि मेरे को 2-3 फिल्में दोबारा देखनी पड़ेंगी। एक तो गीत गाया पत्थरों ने, वो तो इसी विषय पर है, और 2-3 गाने बड़े अच्छे लगे थे मुझे आज के विषय को लेकर, पतिता फिल्म का गाना नहीं, मिट्टी से खेलते हो क्यों बार बार किस लिए, अच्छा ठीक। या ये है कि यहाँ वो जो है पूर्व पश्चिम का, यहाँ इंसान देवता तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं जी, तो जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर इसमें कि ये जो साकार रूप हमने लिया ना प्रतिमाओं का, और आपके उसमें भी आया कि भाव के साथ है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम कहीं ना कहीं जी। जो हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो इन मूर्तियों के पीछे के जो भाव हैं, प्रेरणा है, उसको तो भुला रहे हैं, और केवल एक नित्य प्रति कर्म कांड की तरह कि मैं जाऊं शिवलिंग पर जल चढ़ा दूं, मैं जाऊं कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाके नमस्कार कर दूं और बस समझ लिया कि मैं भक्त बन गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन जो हमारे पूजा के स्थल हैं, वहां पर भी कुछ इस प्रकार के इनके ज्ञान की बात जब तक नहीं आएगी, जैसे मुख्य वक्ता ने बहुत ढंग से और आपने भी बताया कि उपासना कौन सी है, सत्यवती उपासना तो मुझे नजर ही नहीं आती। चलो वो तो ठीक,
तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा आप चर्चा रखवाएं। ओके डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो परिचर्चाएं हैं वो सजग होने के लिए हैं, सचेत होने के लिए हैं कि हम कहीं बेहोशी की हालत में ही ना करते चलें। इसीलिए डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया कि वो हमें सजग करें, और सजगता तब आएगी जब हमें अधिक ज्ञान होगा, हम और जो है वो सूक्ष्मता से उसका पता लगेगा और विस्तार में पता लगेगा, तभी हम सजग हो सकते हैं। तो इसीलिए ये, और बात आपकी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है कि ये होना चाहिए कि सारा समाज जो है वो सजग हो करके जो है वो इस विषय को समझे। लेकिन अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश जी को कि वो इस जितने भी प्रश्न उन्होंने सुने हैं इन पे जरूर वो अपनी टिप्पणी दें, और गर्भगृह और ये सारा जो है गर्भगृह और विमान मैडम भी ने भी प्रश्न ढूंढ के लाए पता नहीं रुचिकर है प्रश्न ये। नहीं सर, मेरे अंदर बहुत इंटरेस्ट था, मैं आपको वो पेंटिंग भेजूंगी जिस दिन भी मुझे मिलेगी, कि गर्भगृह के तो फ्लैट है ऊपर से, और ऊपर वो जो उड़न तश्तरी आके बैठती है और वो नीचे भगवान निकल जाएंगे, मतलब उससे पूरी डिस्क्रिप्शन हुई थी और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं कभी ना कभी ये प्रश्न कभी ना कभी समय आए पर। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब। जी सर, एक प्रश्न था कि जगन्नाथ टेम्पल की जो मूर्ति है वो कुछ स्पेशल लोग बनाते हैं, तो उसके बारे में मैं जो मुझे पता है, मैं उस अपनी जो सामर्थ्य है जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ कि वहां पर जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है जो लकड़ी में बनाई जाती है वो पूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। उसके वहां पे लोक कथा एक प्रचलित है कि जो कलाकार जो साधक जो मूर्ति बना रहा था उसने किसी को भी, ये जो मैं लोक कथा ही बता रहा हूँ बेसिकली जो मैंने सुनी है जी, वो मूर्ति बना रहा था उसने ये बोला था जब तक मूर्ति प्रतिमा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन बीच में उसको किसी ने डिस्टर्ब किया, इस वजह से वो प्रतिमा वैसी ही है कि उसमें हाथ है पैर है कंप्लीट नहीं दिखती। और ये एक वहां समुदाय है, वो समुदाय है, वो समुदाय ही वो जगन्नाथ टेम्पल का जो भी गतिविधियां है उसकी देखरेख वही करते हैं, तो वो जो समुदाय है वही समुदाय इस ये जो जगन्नाथ यात्रा की प्रतिमा निकलती है उसका निर्माण वही करते हैं जी, और वो उसका बिल्कुल प्रतिरूप बनाते हैं जो अंदर रखी हुई प्रतिमा है, लकड़ी उसकी लकड़ी का चयन होता है, उस लकड़ी को ढूंढते हैं पूरे साल, उसके बाद उस लकड़ी को लेके आते हैं फिर बनाते हैं, फिर पूरा ये प्रोसेस चलता है उनका, जो मतलब एक सिस्टमेटिक एक ऑर्डर है उसको कंप्लीट करने का। फिर मैडम का एक जो प्रश्न है कि वो गर्भगृह में उतर जाते थे, तो इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बस ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे मंदिर है बेसिकली वो मंदिर जो होता है अगर हम आइकोनोग्राफी और तो ये जो टेंपल आर्किटेक्चर वाले जो भी टेक्स्ट है उनको थोड़ा पढ़े तो हमें पता चलता है ये मंदिर जो होता है मंदिर एक मतलब पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली उसमें एक जगह पे शिखर होता है, चरण होता है, जो एंट्रेंस होता है बेसिकली हम पैर की तरफ से एंटर करते हैं, तो वो पूरा वो होता है मतलब पूरा एक शरीर है वो मंदिर, तो उसमें गर्भगृह है। अब इसमें मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता कि मतलब वो जो यान था वो उतरता था और भगवान सीधे उस पे चले जाते थे, ये मेरे मतलब मेरी जो सीमा है उससे बाहर की बात है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। प्लस ये जो प्राण प्रतिष्ठा की एक बात आई थी कि जो मेरा प्रश्न सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ कि गर्भगृह का क्या महत्व रहता था कि क्यों गर्भ कुछ प्रतिमाएं तो गर्भगृह में रहती हैं और कुछ प्रतिमाएं हम ओपनली हाथ लगा सकते हैं, जैसे ऐसे भी होता है। मैडम जो गर्भगृह की प्रतिमा होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसके वहां पर, क्योंकि गर्भगृह में जो मुख्य डेटी है जो जिसके जिसको वो मंदिर समर्पित है उसकी ही प्रतिष्ठा वहां पर की जाती है। अगर वो शिव का मंदिर है तो गर्भगृह में शिव की मूर्ति होगी, अगर वो विष्णु का मंदिर है तो विष्णु जी की मूर्ति, क्योंकि वो वहां पे वो प्राण स्वरूप वो जो प्राण तत्व है उसके स्वरूप वहां पे विद्यमान होते हैं, इसलिए गर्भगृह जो गर्भ मतलब वहां गर्भ कहने मतलब जैसे माता का गर्भ है
मैं ही अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, माता के गर्भ में जो इम्पोर्टेंस है वैसा ही उसकी इम्पोर्टेंस है वहां पे। जब तक गर्भगृह में मुख्य देवी की मूर्ति नहीं होगी, मंदिर कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा उस रखने के बाद ही उसमें अंदर प्राण फूके जाते हैं। हमारे यहाँ पे, मैं अभी हिमाचल में रहता हूँ, तो यहाँ पर कुछ जगह है, वहां पर भी जैसे कुल्लू में जाए तो वहां पर भी ये एक कुल्लू दशहरा होता है, तो वहां पर मैंने तो अभी तक सुना है और जाके नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो वहां से प्रोसेशन निकलता है तो लोग कहते हैं कि वो जो भगवान है वो अपना जो ये जो जितना पूरा वो उनका जो इंस्टॉलेशन है वो खुद उसको मूव करते हैं, वो कोई उठा नहीं सकता है, उसको कोई उठा नहीं सकता ना हिला सकता है। जब भगवान चाहेंगे, जब वो ईश्वर है वो चाहेंगे तभी वो हिलेगा, तभी वो उठेगा, अदरवाइज नहीं उठता है। जी जी, मैं मुझे और फिर एक ये प्रश्न था कि प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें टूट जाता है तो उसका महत्व रहता है कि नहीं रहता है, ऐसा कुछ एक प्रश्न है ये ऐसा। तो जो भी मूर्ति होती है, जो भी प्रतीक है जिसके ऊपर भी हम साधना करते हैं, या मैं तो बेसिकली टेक्निकली उसको बनाता हूँ, और मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया कि उतना टेक्निकली हम फॉलो भी नहीं करते आजकल कॉन्टेम्प्रेरी, क्योंकि हम तो आदमी की भी मूर्ति बनाते हैं, भगवान की आ गई तो भगवान की भी मूर्ति बनाते हैं। तो जो मूर्ति होती है बेसिकली वो एक कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और मूर्ति जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम उसको जो भी, वैसे तो ड्यूटी उस आर्टिस्ट की, वो जो आर्टिस्ट है बेसिकली साधक होना चाहिए, होता ही है, वो उसको विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज इन द सेंस कि वो उस स्टेज में पहुंचेगा, वो उस स्टेज में पहुंचे के जैसे हम अगर देवी सप्त दुर्गा सप्तशती की बात करें तो उसमें जो माता का जो चित्रण है वो बेसिकली वो किसी ने, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो किसी ने ऐसे ड्रॉ करके सोच करके नहीं बनाया होगा, वो उसने उसको विजुअलाइज किया है, वो उसने साधना की उस स्थिति में उसको देखा है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन उसका किया है। तो जो 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 उसने रिप्रेजेंटेशन किया वो किसी एनर्जी को देखता है, उसमें वो एनर्जी है और उस एनर्जी ऑन द बेसिस उस एनर्जी के आधार पर वो उस प्रतिमा का निर्माण करता है। तो जो उसने वो जो एनर्जी जो जो लेवल वो जो अपने स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल देखा है, जब वो उसको प्रतिमा में वो कन्वर्ट करता है, जब उसको मूर्ति में ट्रांसफर करता है, तो उसमें वो कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अब जैसे कोई भी स्टूल है, या स्टूल है अगर उसका एक पाया तोड़ दिया जाए तो क्या वो स्टेबल रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो ऐसे ही और जो मंदिर जो भी चीजें जो लगातार प्रोसेस में रहती है वो एक्टिव रहती है, जो जिनको मतलब ये संबंध है कि मतलब आप हम किसी से कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है, छोड़ देंगे तो वो भी कहीं और हम भी कहीं। जी, और एक ये शालिग्राम शिवलिंग, ये भी एक प्रश्न था। तो ये जो है ये प्रतीक, जैसे मैंने तीन वर्गीकरण बताए आपको, चलाचल, अचल, पूर्ण अपूर्ण, और एक और था, मैं थोड़ा सा देख लूं अपने पीपीटी, एक मिनट सर। ये शांत और अशांत ये जो था, तो ये पूर्ण अपूर्ण, मैंने पूर्ण अपूर्ण के इसमें आएगा, ये क्या है कि शालिग्राम उनका प्रतीक है, प्रतीक है, ये पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, उनको पर्सोनिफाई नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं, विष्णु जी को। और जो शिवलिंग है वो भी उनका प्रतीक रूप है, वो पूर्ण अपूर्ण प्रतिमा में आएगा। पूर्ण प्रतिमा शिव भगवान जहां पर अपने सारे आयुधों के साथ, आसन के साथ, अपने सारे आभूषणों के साथ, अपने सारे वस्त्रों के साथ विद्यमान है, वो पूर्ण प्रतिमा है। जहां पर वो अपने संकेत रूप में विद्यमान है, लिंग रूप में विद्यमान है, चाहे वो एक लिंग हो, द्विलिंग हो, त्रिलिंग हो, चतुर्लिंग हो, या फिर पंचम लिंग हो, वो जो है वो प्रतीक रूप में है, लेकिन वो है शिव का रिप्रेजेंटेशन ही, तो ये पूर्ण और अपूर्ण में है। अब जी चलिए लेते हैं, अभी एक दो प्रश्न और आए हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज। वैसा मैंने ये भी पूछा था कि मूर्ति पूजा पहली बार प्रारंभ या ये जो है इसकी जो है। अच्छा अच्छा, हम वो भी ले लेते हैं प्रश्न। अजय जी नमस्कार, पहले तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने,
लेकिन अभी मुख्य वक्ता जो है उन्होंने कहा था कि मूर्ति जो है एक कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जी, तो मेरे मन में दो सवाल कि क्या कॉस्मिक एनर्जी का कोई सेक्स भी होता है, मेल फीमेल? नंबर वन, जब हम दुर्गा की कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं तो उसको हम एक दुर्गा का रूप देते हैं, फीमेल का रूप देते हैं, और भगवान शिव को लेते हैं या कृष्ण जी को लेते हैं या श्री राम को लेते हैं तो उसको एक मेल का रूप देते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी में हम जब ये डालते हैं सेक्स व्हाटएवर या जेंडर डालते हैं तो इसमें को कैसे परिभाषित करते हैं? दूसरा मेरे साथ इसके साथ जुड़ा था, जैसे हम माता वैष्णो के जाते हैं तो वहां माता का स्वरूप नहीं है, वहां वो माता को एक शिला के रूप में, पिंड के रूप में तीन रूप रखे हुए हैं। तो उनका कहना है कि माता जिस शक्ति को रिप्रेजेंट करती है उसका स्वरूप नहीं है, इट इज फॉर्मलेस, इट इज शेपलेस, इट इज जेंडरलेस। तो इससे मेरी जिज्ञासा थोड़ा सा, अगर आप टिप्पणी दे तो अच्छा लगेगा। एक डॉक्टर रवि जी की भी बात ले लेते हैं साथ में, फिर आप इकट्ठा उत्तर दे दीजिए। सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं दो तीन बातें कहना चाहता था जो मेरे अनुभव में आई। जी, मेरे पिताजी जयपुर के राजगुरु थे तो वो मिर्जा इस्माइल के साथ एक बग्गी में बैठते थे। मिर्जा इस्माइल उस समय जयपुर के दीवान थे, तो ये दोनों मिलके मंदिर और छोटे मोटे पीर वगैरह के जो इनके होते हैं दूसरे धर्म में उनको हटाते थे, और सब मंदिरों को हटाने की उनको प्रक्रिया आती थी, किस तरह पूजा करना, किस तरह ट्रांसफर करना, ट्रांसलोकेट करना, केवल शिव मंदिर की उनको नहीं आती थी। उसका कारण मुझे आज भी याद नहीं है, शिव मंदिर को प्रतिस्थापित करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल काम बताया जाता था, उसकी पद्धति नहीं मालूम थी उस समय। दूसरी बात, अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें, जो कि वेद में जो विज्ञान है उसमें ऋग्वेद में क्लियरली लिखा है कि पहले क्षीर सागर में रुद्र की स्थापना हुई, फिर विष्णु की, और इस तरह ये तो निराकार से साकार होने की बात तो बहुत समझ में आती है, और उसमें साथ साथ जैसे जैसे एनर्जी और क्वांटम फील्ड डेवलप होते हैं, उसको मैं किसी दिन अपनी बात में बताऊंगा एक दो महीने बाद, उसमें फीमेल फॉर्म साथ के साथ आती है, माता भूमि बोलते हैं और पुरुष पिता पुरुष बोलते हैं, पिता को ब्रह्मा का स्वरूप भी दिया एक जगह, और कई आवृत्तियां हैं उनको हम कभी उसके साथ आवर्त हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बस दो तीन बातें कहनी थी। एक बात डॉक्टर विनय सिंघल जी को भी कहना है कि ये चाहे विमान आके बैठते हो या नहीं बैठते हो, गर्भगृह का ऊर्ध्वमुख एनर्जी जैसे ब्रह्मरंध्र में है, वैसे कोई न कोई ताल्लुक जरूर है गर्भगृह की प्रतिमा का, चाहे वो सामने की दृष्टि से हो, चाहे वो फोर डिमेंशनल ब्रह्मा वाला हो, या ये ब्रह्मरंध्र से ऊपर जाकर जो भी शक्ति है उसमें कनेक्शन स्थापित करने का हो, ये शायद योग की प्रक्रिया में भी है और गर्भगृह की स्थापना में भी ये कनेक्शन मुझे दिखता है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। थैंक यू। गर्भगृह के बारे में थोड़ा सा मेरा ये विचार है कि वहाँ जो नाद और बिंदु का जो दर्शन है वो वहाँ लागू होता है, तो गर्भगृह का निर्माण इस तरह से होता था कि जहाँ पर नाद जो है वो ऊपर की ओर चले, तो इसलिए वो गर्भगृह का है, बिंदु का आकार नहीं होता जी, और जो नाद है वो एक डिमेंशन हाँ। में तो ऊपर की ओर मान सकते हैं, लेकिन वैसे वो स्फेरिकल एक्सपांशन है, होता है पिरामिड आकार,
हाँ, तो ये कुल मिलाकर के जो गर्भगृह का निर्माण की प्रक्रिया है वो आपके प्राण जिसे और प्राण के साथ नाद और नाद के साथ बिंदु, ये तीनों का द्योतक है जिसकी वो अभिव्यक्ति हमें वो गर्भगृह में दिखाई देती है। लेकिन वो एक विस्तार पूर्वक जानने का विषय है और वो सूक्ष्म विषय है, तो उसके पीछे का जो पूरा दर्शन है वो आपको पढ़ने को देखने को भी मिल जाएगा और किसी विद्वान वक्ता को किसी वक्त हम बुला भी आप लेंगे। कहें, अगर आप कहेंगे तो जिन्होंने अमेरिका में 200 से ज्यादा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है जी, हर तरह के देवता की जी, विष्णु हो या शिव हो या जो जुड़े हुए हो गणपति हो, इन सब की जिन्होंने कराई है उनसे मैं आपको एक वेबिनार उनसे करवा सकता हूँ जी। मैं जरूर इस बात का स्वागत करूंगा। लेडी है वो PhD है, वो वहाँ महाकाल है ना उज्जैन में, वहाँ पर मध्य प्रदेश की कला संस्थान अभी नई एस्टेब्लिश हुई है 5-1 साल पहले, वहाँ पर वो उसकी क्यूरेटर या रिसर्चर है, वो स्थापत्य कला के बारे में काफी कुछ जानती है जी, उनको भी हम जरूर आमंत्रित कर लेंगे। अगर वो इस विषय पे हमें ये परिचर्चा हमारे साथ करें कि ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या है, वो तो डॉक्टर वो तो जानकी राम जी शास्त्री जो कि चारों वेदों के ज्ञाता है वो कर सकते हैं, वो मिशिगन से वेबिनार करेंगे। और ये लेडी है, इनका नाम मुझे याद नहीं है, चलिए इनको हम देख लेते हैं। तो उन शास्त्री जी से आप हमारी ओर से निवेदन करें और एक बार उनसे पूछ लें कब समय दे सकते हैं। वो समय तो आपका तो स्थित है कि आप जब अमेरिका में वो, अभी यहाँ 10 बजी है, 10 बजती है तो उनके यहाँ तो 1 बज जाएगी रात की, तो वो इसको देख लेते हैं जी, कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, करना पड़ेगा, समय बदलना पड़ेगा जी जी, बदल लेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे जी। डॉक्टर साहब अब अंतिम टिप्पणी आप अपनी दें इस विषय पे, डॉक्टर दिनेश जी कई प्रश्न आपके सामने उपस्थित हुए थे, दिनेश जी दिखाई दे रहे हैं क्या? शायद उनका कट गया जी कनेक्शन। सर से एक बात बोलना चाहूंगी रवि जी सर से कि ये ना राजगुरु पंडित सर, मैं ना दूसरे फोन से कनेक्ट हुआ हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जी जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी। एक सर एक निवेदन करना चाहूंगी छोटा सा है जी, राजगुरु पंडित श्री विद्यानाथ जी ओझा जी के एक स्मृति ग्रंथ निकला था, उसमें मेरे घर से संपादन किया गया था, क्या रवि जी क्या वही है क्या ओझा जी? नहीं, मेरे पिताजी के बड़े भाई की तरह थे, जयपुर में 5 राजगुरु थे। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो बिहार से थे, एक महाराष्ट्र से थे वो द्रविड़ थे, एक तेलंगाना या आंध्रा के क्षेत्र से थे, और ऐसे करके 5 राजगुरु थे, एक गुजरात से थे, और हम केवल एक राजस्थान वाले हमारा परिवार था। ये 5 मैं उनके पास बचपन से बहुत खेला हुआ हूँ, विद्यानाथ जी ओझा साहब के पास। हाँ जी। और उनके दूसरे भाई जो थे, दूसरे ओझा थे, वो राजगुरु थे, उनके बेटे थे, वो तो मेरे गुरु ही थे, साक्षात गुरु मुझे बचपन से पढ़ाने वाले। हाँ जी, ये वो देने के लिए, मैं भी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर जी की पुत्र वधु हूँ। ओ कांकर जी की पुत्र वधु, अच्छा आप लोगों की मुलाकात हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया जी। राजेंद्र जी भी अपने सभी में जुड़े हुए हैं, हालांकि जयपुर से नहीं है वो, लेकिन झुंझुनू शेखावाटी के, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है, नतमस्तक क्योंकि ज्ञान के आगे। हाँ हाँ चलिए दिनेश जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विशाल जी करेंगे। सारी मैंने बात समझ ली। नहीं 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 सर जी,
सर एक ये प्रश्न था कि मूर्ति पूजा पहले प्रारंभ हुई या ऐसा कुछ एक प्रश्न था। तो मेरा अपना जो विचार है, मैं ये सोचता हूँ कि साकार तभी साकार है जब निराकार, सॉरी साकार तभी साकार है जब निराकार है, निराकार तभी निराकार है जब साकार है। तो इसमें ये मतलब कहना कि कौन पहले आया था, क्या पहले प्रारंभ हुआ, ये न्याय संगत नहीं होगा। और एक था कि क्या लिंग, जो शक्ति का लिंग की बात हुई थी कि क्या लिंग होते हैं, कि उनका स्त्रीलिंग है पुरुष लिंग है, तो इस विषय में मैं मेरा दर्शन सर इतना वो नहीं है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं कि ईश्वर का लिंग मतलब किस जेंडर से वो संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी जो शक्ति है वो ज्यादातर तो ऐसे मात्र शक्ति के रूप में तो स्त्री के रूप में ही धार देखी जाती है। फिर जहां शिव की बात आती है तो उन्हें पुरुष तत्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जी एक्चुअली डॉक्टर साहब इसमें ना क्या है कि पुरुष ये शब्दों का हमें शब्दों से हम लोग परिचित नहीं है अपनी भाषा में। जी पुरुष शब्द का मतलब कोई जेंडर नहीं है, पूरी शरीर यानी कि जो चेतना का घर है वो पुरुष है। इसी तरह मैं आगे भी जब हम बात कर रहे थे तो अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं विशेष रूप से संस्कृत, वो कभी भी वस्तुओं के बारे में बात नहीं करती, वो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करती है। आप वस्तुओं को पहचानते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से पहचानते हैं। जब आप पादप शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब को पेड़ नहीं है, पादप का मतलब है जिसमें ये प्रॉपर्टी क्षमता है कि वो अपने पैरों से पानी पी सके, ठीक है ना। इसी तरह तरु शब्द का अर्थ पेड़ नहीं है, तरु का मतलब है वो क्षमता जिसके माध्यम से वो तैरता है। इसी तरह से पुरुष शब्द है, स्त्री शब्द है और सारे शब्द हैं, तो वो लिंग निर्धारण वाला जो है वो यहाँ पे समस्या नहीं रही है। लिंग निर्धारण की समस्या अब्राहमिक रिलीजन्स में रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वो देखना चाहिए। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये एक छोटी सी टिप्पणी आपकी परमिशन हो तो वो ये ऋग्वेद में तो देवताओं के डेवलपमेंट के दौरान ऋग्वेद में जो वर्णन है उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का समावेश है, क्यों कि वो उसी भाषा में वो बता सकते हैं कि पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जी, उनके पास और लैंग्वेज नहीं थी तो उन्होंने वो साधारण व्यवहार की माता पिता होना बच्चे होने के लिए आवश्यक है ये धारणा ऋग्वेद से चालू होती। जी इन विषयों को भी, हाँ इन विषयों को भी डॉक्टर साहब लेना है ये विज्ञान के पक्ष से, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसको हम टेकअप करेंगे। मैंने निवेदन तो किया है एक दो वैज्ञानिकों से, तो उन विषयों को लेंगे। तो चलिए आज का विषय काफी रुचिकर रहा है और हमारे कई पक्षों में वृद्धि हुई है, ज्ञान की वृद्धि हुई है, दृष्टि के भी विकास हुआ है, और ये समझ भी आई कि भाई ये जो मूर्ति को मूर्ति कला के रूप में क्या है और प्रतिमा विज्ञान के रूप में क्या है, ये बात हमें आज काफी विस्तार पूर्वक समझने में सहायता मिली है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको हमें अभी जानना और समझना है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी से कि जी, वो सभी का धन्यवाद करें, हमारे विशेष रूप से हमारे मुख्य वक्ता का और अन्य सभी सदस्यों का। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो लगभग दो घंटे की इस विचार चर्चा में डॉक्टर दिनेश पाल जी ने जो प्रतिमा विज्ञान और मूर्ति कला की जो संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा है उस विषय पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए, तो बड़े सरल शब्दों में और बड़े ही बहुमूल्य विचारों को इस ज्ञान को हमारे साथ इन्होंने साझा किया, तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस ऐसे और भी विषयों के साथ हमारा आपके साथ इसी तरह से संबंध जुड़ा रहेगा और आपकी सेवाएं हमें मिलती रहेंगी। तो और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं जिन्होंने बड़े ही संयम पूर्वक इस समस्त
जो वार्तालाप है इसको ध्यान से सुना और अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने प्रश्नों को उपस्थापित किया और बड़े अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस समस्त कार्य के लिए हम संस्कृत विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज चंडीगढ़ और बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी सबकी ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब, और शीघ्र भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज की ये चर्चा को यहीं पूर्ण करें और विसर्जित हों, अगली सूचना मैं दे दूं कि अगला जो विषय है वो फ्राइडे या सैटरडे को रखेंगे और वो विषय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी केवल जो है वो आधी, जिसे मानसिक आप इश्यूज कहते हैं, मेंटल इश्यूज, उनके ऊपर हमने वो रखा है। वो दो पार्ट्स में होगा, एक आधी और एक व्याधि के ऊपर। तो इस बार जो है वो हम आधी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी क्या सहायता कर सकती है और क्या हमारी समझ बनाती है उस विषय पे है। बाकी फिर उसके बाद के विषय जो है वो अगले सप्ताह हम लेंगे, तो मैं आप लोगों को यथा समय जो है वो सूचना भेज दूंगा, तो कृपया उसके लिए जुड़ें। और दूसरा, आप लोगों के साथ जो है वो लिंक शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कृपया उसको भर दें और अपने साथियों के साथ उस लिंक को शेयर भी कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े और आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, बहुत गहरे, कईयों के हमें प्रश्न उत्तर नहीं आते थे लेकिन वो प्रश्न आए तो उससे हमारी जो है जिज्ञासाएं और बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से उन जिज्ञासाओं को फिर दोबारा से हम अग्रसर करेंगे इसी अपेक्षा के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।